यार देखो, वैसे तो द प्लान इज टू स्टार्ट द सिलेबस टुडे, तो हम थोड़ा थोड़ा सिलेबस आज से शुरू कर देंगे, राइट? सो आई डोंट वॉन्ट के हम ऐसे 2-3 दिन बस टाइम पास करें. वी विल नॉट जस्ट वेस्ट टाइम, वी विल बिगिन टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट टुडे. तो आज से कहानी एंथ्रोपोलॉजी की शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल से व्हाट वी विल डू इज, पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको समझा दूं, बता दूं. कल की तो क्लास थी टोटल इंडक्शन, आज से तो कहानी शुरू हो जाएगी. दिस इज माई नेम, दीक्षांत शर्मा. मेरे बारे में कुछ कुछ आइडिया किसी को है? किसी ने मुझसे जीएस पढ़ा है? यहाँ पे काफ़ियों ने पढ़ा है. जिन्होंने जीएस मुझसे नहीं पढ़ा, इस इंस्टीट्यूशन में मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ. मैंने आईआर पढ़ाया है दिल्ली में. मैं इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाता हूँ. दिस इज व्हाट आई डू हेयर. इस पढ़ाने के अलावा आई टेक केयर ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो, आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ एडमिन. तो इस इंस्टीट्यूशन में आपको मैं घूमता फिरता ऐसे दिखता रहता हूँ, है ना? तो ये सब कुछ करता रहता हूँ मैं, टाइम पास होता रहता है मेरा. अबाउट माई बैकग्राउंड, मेरी हर एक इंसान की तरह इंडिया में मेरी भी बीटेक है, जो मेरा डिसीजन नहीं था, मुझे करवा दी गई थी कि मैट्रिमोनियली मैं स्ट्रांग हो जाऊं. तो बीटेक करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. यहां पर गलती होगी, यहां पर अगर सीएससी करी होती शायद मेरा करियर कुछ डिफरेंट चल रहा होता. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करी, इसी के बाद जैसे ही खत्म हुई साथ के साथ ही एमबीए कर ली. सो व्हाइल आई वॉज डूइंग माई बीटेक इन द लास्ट ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट. कैट, जीमैट और एक और पेपर होता था मैट, इन तीनों की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने. इसी के बाद एमबीए करने का मौका मिला, तो आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड बिमटेक इन ग्रेटर नोएडा. इट इज़ बिरला का जो टेक बैकग्राउंड है उनका एक कॉलेज है बिमटेक नाम से, मैनेजमेंट कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा. 2 साल की एमबीए करी. एमबीए के बाद फर्स्ट कंपनी केम एंड आई गॉट प्लेस्ड. टीवीएस मोटर्स आई थी हमारे वहां पर, टीवीएस मोटर्स में प्लेसमेंट हो गई और टीवीएस मोटर्स उठाकर ले गई चेन्नई. ये थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ, यू शुड नो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है. यहाँ से चेन्नई में 1.5 साल काम करने के बाद आई मूव टू गुड़गांव एंड आई चेंज्ड माई कंपनी. टीवीएस मोटर्स के बाद मैंने एक्जोनोबल ज्वाइन कर ली. ये प्रीवियस बैकग्राउंड था, राइट? आफ्टर वर्किंग इन कॉरपोरेट आई डिसाइडेड कि ये सारी जिंदगी तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. सो दैट इज वेयर आई फेल्ट के मुझे यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, मुझे सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए. इसके पीछे डिसीजन का एक और कारण था, एंड दैट रीजन वॉज माई वाइफ. 2016 आई गॉट मैरिड. 2016 में शादी हुई. 2015 में पीसीएस हुआ था पंजाब सिविल सर्विसेज का. 2015 में मेरी वाइफ का पेपर हुआ था, उनका बड़ा अच्छा पेपर हुआ था. उनकी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. शी कम्स फ्रॉम हरियाणा एंड शी सैट इन पंजाब सिविल सर्विसेज. तो एक बात तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, स्टेट पेपर्स में यूजुअली डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. थैंकफुली उसका मेंस बहुत अच्छा हुआ था. तो मेंस अच्छा होने के बावजूद या हरियाणा से होने के बावजूद शी गॉट एन इंटरव्यू कॉल. बट इंटरव्यू कॉल आ तो गई. इंटरव्यू कॉल में पहला सवाल था व्हाट इज योर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में उनसे सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि सर आई एम फ्रॉम हरियाणा, माई पेरेंट्स आर ब्यूरोक्रैट्स इन हरियाणा. उन्होंने सीधा जाके साफ साफ बोल दिया कि मैं हरियाणा से हूँ, और दैट इज वेयर द इंटरव्यू पैनल डिसाइडेड कि हमें तो ये कैंडिडेट चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसका तो बैकग्राउंड ही हरियाणा से है. बट बात वही आती है, मेरा सबसे बड़ा लेसन उसी टाइम पे आ गया था कि सब कुछ मैटर करता है मेंस के ऊपर, क्योंकि उनका मेंस इतना जबरदस्त था. इवन आफ्टर शी वॉज ग्रिल्ड बाय द पैनल स्टिल शी वॉज एबल टू स्कोर डिसेंट ओवरऑल. मैटर करा ही नहीं उनका इंटरव्यू. बट जैसे ही उनका पेपर फाइनल हुआ, किसी एक आईएएस ऑफिसर ने डिसाइड कर दिया कि इस बार पीसीएस में काउंसलिंग नहीं करेंगे. सो 2015 का पेपर हुआ, काउंसलिंग कैंसिल कर दी सरकार ने. 15, 16, 17 रिजल्ट ही नहीं आया. 2017 में शी वॉज कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, और काउंसलिंग में उनका रैंक बन गया, उन्होंने सर्विस ज्वाइन कर ली. सो वी वर सेटल्ड इन गुड़गांव, एंड दैट इज व्हेन शी डिसाइडेड के आई विल गो बैक टू चंडीगढ़ एंड आई विल ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस. तो वहां पे मेरी तैयारी शुरू हुई.
मतलब मेरी जर्नी डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है कि यूजुअली हम 21 इयर्स में प्लान करते हैं कि पहला अटेम्प्ट दे दे। मेरी जर्नी की शुरुआत ही 26-27 साल पे हुई है, राइट? आई वॉज नॉट टू से मिसगाइडेड, बट मैं थोड़ा लेट था अपने आप को समझने में, राइट? मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा था यार। तो इस केस में व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो माइंड में दो चीज़ें थी, पीसीएस और यूपीएससी। एज ऑटोमेटिकली 27 हो चुकी थी, शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, सोसाइटी भी थी, मैरिज भी थी, सब कुछ था। सो वो प्रेशर के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मैं, राइट? 2020 में भी पीसीएस आया, 2018 में भी पीसीएस आया, इन तीनों में यूपीएससी में भी बैठे, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स, लाइफ के प्लान कुछ और थे। तो लाइफ के प्लान ये थे कि अब बन तो पाएंगे नहीं तो बना देते हैं। तो फिर तब से लेके अब तक नाउ आई एम टीचिंग। 2018 ऑनवर्ड्स पढ़ाना शुरू कर दिया था और धीरे 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 डोमेन्स पकड़ने शुरू कर दिए। जब यहाँ पर मार्केटिंग का काम ऐड हुआ तो पढ़ाना थोड़ा सा कम कर दिया, ज़्यादा एफर्ट मार्केटिंग पे आना शुरू हो गया। सो दिस इज़ वॉट माई बैकग्राउंड इज। रही बात एंथ्रोपोलॉजी की, एक चीज़ आज के सेशन से ही शुरुआत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, ना ही मैंने एंथ्रोपोलॉजी डॉक्टरेट लेवल की पढ़ी है, ना ही मैंने आपको पढ़ानी है, राइट? मेरा बहुत सिंपल सा एजेंडा है, बहुत सिंपल सा काम करना है मैंने, जो मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था। हमने इस पेपर के लिए एंथ्रोपोलॉजी पढ़नी है। हमारा सबका एजेंडा एक रहेगा, दैट इज टू स्कोर वेल। हमने 300 के आसपास पहुंचना है, दैट्स द ओनली एम दैट वी विल हैव। इसके अलावा नॉलेज मेरे पास जितनी मर्जी हो, मैंने आपको डराना धमकाना नहीं है, उसको दिखा के आपको इंटिमिडेट नहीं करना। सिंपल सिंपल सिलेबस, सिंपल सिंपल सिलेबस के हिसाब से कवरेज, दैट्स इट, राइट? अब सवाल ये उठता है कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डे वन पे बता देता हूँ, पहली रिक्वायरमेंट मेरी आपसे ये है कि आप रेगुलर क्लास का पार्ट बने रहें, डोंट मिस क्लासेस अननेसेसरली। किसी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल मिस करनी है, घर पे दिक्कत है, बिल्कुल मिस करेंगे, हेल्थ ठीक नहीं है, बिल्कुल मिस करेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि मन नहीं कर रहा, बारिश हो गई, ये रीजंस नहीं, उससे नुकसान आपका ही है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बट वी विल ट्राई कि हम ना ये मिनिमम मिस करें। क्लासेस पॉइंट नंबर टू, क्लासेस में बहुत ज़्यादा मोनोटोनस मैं रखता नहीं हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है। इट हैज़ टू बी अ डायलॉग, तो मेरी बात जितनी सुननी होगी सुन लेना, आप भी बोल सकते हो, आपको इक्वल राइट है बोलने का। मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मुझसे किसी भी तरह की चीज़ को डिस्कस कर सकते हो, आई एम ओपन फॉर दैट, डन? तो डिस्कशन जितनी ज़्यादा होगी, हम सब लोग उतना ज़्यादा सीख के जाएंगे, राइट? ठीक है। तीसरी चीज़, नोट्स बनाने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप A4 शीट्स यूज़ करें, राइट? उसका कारण, कोई भी चीज़ ऐड करनी पड़े, कोई नई केस स्टडी ऐड करनी पड़े, कोई नया आर्टिकल ऐड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमारे पास बड़ा इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। तो A4 शीट्स को, लूज शीट्स को यूज़ कर लेना, डन? इसके अलावा चौथी चीज़ जो मैंने कल आपको एक काम दिया था, सिलेबस। वैसे तो मैं चाहूँगा कि सबके पास मिनिमम प्रिंटआउट्स तो हों ही, बट जो मैं एक्चुअल में चाहूँगा कि आपका हैंड रिटन सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, डन? क्यों? क्योंकि पहले 10 दिन में मेरा एजेंडा पता क्या रहने वाला है, आपको सिलेबस याद करवाना, राइट? आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने बोला ना 1.3, आपको पता होना चाहिए 1.3 मतलब यूनिट में क्या है। अगर मैंने बोला यूनिट नंबर 7, पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला 9 to 12 पेपर 1, आपको पता होना चाहिए, अच्छा 9 to 12 इसका मतलब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही है। क्लियरिटी सिलेबस की माइंड में ऐसे छप जाना चाहिए, सिलेबस पी लेना है घोट के उसको, राइट? क्योंकि आगे चलते चलते सारी की सारी चीज़ें, हमने जो भी करना है इन द कमिंग टाइम, हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को अपना मंत्रा मान के चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइडिया विल बी टू कवर 100% सिलेबस। एक भी टर्म नहीं होनी चाहिए सिलेबस में जो आपके नोट्स में नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक भी टर्म नहीं होनी चाहिए। ये एजेंडा है क्लास का, राइट? अगर आपको कभी भी लगे कि सर ये दो टर्म्स तो हमने करी नहीं, यू हैव ऑल द राइट टू टेल मी कि सर ये दो टर्म्स नहीं हुई। ये मेरा काम है कि आपको वो प्रोवाइड करवाना है।
बट सिलेबस एंड टू एंड कंप्लीट होगा. और एंथ्रोपोलॉजी की ब्यूटी है ये, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया स्कोर बनेगा ही बनेगा, राइट. अगर हम अपनी तरफ से छोड़ के चले गए फिर तो बात ही खत्म है. तो सिलेबस कंप्लीशन विल बी आर कोर एजेंडा, डन. इसके अलावा पांचवी चीज, थोड़ा सा जो मैं रीडिंग मटेरियल दिया करूंगा ना उसको थोड़ा सा सीरियसली लेके चलेंगे, राइट. मतलब मैं ये नहीं, आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना मैंने, बट इतना का मैं ज़रूर किया करूँगा कि कुछ एक चीज़ें मैंने पढ़ाई उसके ऊपर एक केस स्टडी आपको पढ़ने को दे दी, घर जाके पढ़ ली, आधा घंटा घंटा इससे ज़्यादा, राइट. ये पांच चीज़ें आप बस इंश्योर करेंगे, हम इन पांचों चीज़ों के हिसाब से अगर चले, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लग रही कि आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी. आई थिंक एवरीबडी इज़ इक्वली केपेबल और सब बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं. नो इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट डायरेक्टली, उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हो, क्या बैकग्राउंड है, क्या आपका एजेंडा है. सर आपसे शुरू करते हैं, दो तीन चीज़ें बहुत बेसिक बेसिक, बैठ के आराम से रिलैक्स. गुरदासपुर, ठीक है. और आपका सर अटेम्प्ट कब है? 25. मैं लिस्ट बना लेता हूँ एक बार, 2025, 26, 27 वाला आई होप शायद कम ही होंगे. हाँ जी सर, विशाल, यू हैव बैकग्राउंड इन बायोलॉजी और आपका अटेम्प्ट 25. और HPS का भी प्लान है कल को अगर आता है तो? हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्लान है? नहीं, UPSC कोर प्लान है, ठीक है. दो लोग हैं 25 वाले. हाँ जी मैम, शिखा शर्मा मोहाली, BSc नॉन मेडिकल, ठीक है. अच्छा MSc मैथ्स, वाओ. और मैम अटेम्प्ट कब देने का प्लान है? 25 अटेम्प्ट है सर आपका, तो मुझे आइडिया है. 2025 अटेम्प्ट है ना अपना भी. और आपकी बैकग्राउंड क्या थी? BSc नॉन मेडिकल, परफेक्ट. हाँ जी सर, आपका बैकग्राउंड? बी फार्मेसी. और नाम? अभिनव शर्मा, ठीक है. तेरा तो नेचुरल चॉइस यही बनता सब्जेक्ट का, तो कोई मुझे डाउट नहीं. हाँ जी मैम, सेकेंड ईयर BA बैकग्राउंड, 26 का अटेम्प्ट है, ठीक है जी. हाँ जी मैम, 25 एंड योर बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग, विच इंजीनियरिंग मैम? एरोस्पेस, वाओ क्या बात है. हाँ जी मैम, 26. हाँ जी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वाओ. हाँ जी मैम, BSc नॉन मेडिकल, यार BSc नॉन मेडिकल भरा हुआ है. हाँ जी सर, कंप्यूटर साइंस बेटा, क्या लगा, ठीक है. 26 अटेम्प्ट ना. हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. और अटेम्प्ट कब है? 2025. हाँ जी सर, MSc वाले दो हो गए, आप भी MSc मैच, 26. हाँ जी मैम, आपको तो मैंने पढ़ाया हुआ है GS में, इंटरनल सिक्योरिटी. हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सर, 2025 विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है. हाँ जी मैम, BSc जूलॉजी, ठीक है. 2026 अटेम्प्ट, खत्म हो गया BSc जूलॉजी, खत्म पूरा. हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, BSc नॉन मेडिकल, क्या बात है. 2025, तो यार एक चीज तो क्लियर है, 2025 विल बी आर एम ऑल्सो. लेट अस टॉक टू पीपल हु आर ऑनलाइन ऑल्सो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट से अपना ब्रीफ बैकग्राउंड जो है वो लिख दो यार, आई विल लुक एट इट, बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट देयर ब्रीफ बैकग्राउंड. क्या क्या आपका बैकग्राउंड है,
कौन सी ग्रेजुएशन आपने करी है, कौन सा आपका टारगेट ईयर ऑफ अटेम्प्ट है, दीज आर सम थिंग्स दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. सो देखो, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, पीपल हु आर हेयर फॉर 25, राइट, उनके लिए तो बहुत क्लियर टाइमलाइन है. 2026 वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है कंपैरेटिवली, राइट. तो जो 2026 वाले हैं, वेरी गुड डिसीजन दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑप्शनल एट दिस पॉइंट. आपको कोई कुछ भी बोले, बहुत सही डिसीजन ले रहे हो, ठीक है. तो स्टिक टू दैट डिसीजन. अब आपको कोई भी अगर बोलता है कि नहीं यार अगले साल कर लेना, नहीं, दिस इज द बेस्ट ईयर, बिल्कुल डिले मत करना, बहुत सही टाइम पे कर रहे हो. अब एक काम करते हैं, शुरू करते हैं सब्जेक्ट. पढ़ने का मन कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी, करें शुरुआत फिर, देख लो. चलो, ऑनलाइन वालों के भी कुछ कुछ मैसेजेस आए हैं. सर, आई एम तनीश कुमार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 2025 इज माई अटेम्प्ट. ठीक है. मिली मनचंदा, सर आई डिड माई मास्टर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अच्छा, टारगेट इज 2025. जयप्रीत, बीए थर्ड ईयर 2025, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2026. गुरनूर कौर, गुड आफ्टरनून सर, आई एम अभिषेक खिराड़े एंड आई हैव डन इंजीनियरिंग इन ऑयल टेक्नोलॉजी. कहाँ कहाँ का बैकग्राउंड है यार, क्या जबरदस्त. एक आपने एरोस्पेस आपने किया हुआ, राइट, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एंड टुडे वी हैव समबडी इन ऑयल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग. क्या बात है, मुझे पता भी नहीं था ये होती चीज़ें यार, हम किसी और दुनिया में रहे हुए. चलो, लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट नाउ. कल क्लास में आने से पहले सबके हाथ में सिलेबस हो, ठीक है. क्लियरली हम रेफर किया करेंगे कल से, या इवन आज से मैं शुरू कर दूंगा. जिसके पास सिलेबस है बहुत बढ़िया, अगर कुछ कॉमन लोग बैठ सकते हैं तो कॉमन लोग बैठ के सिलेबस शेयर कर लो. एक चीज बड़ी क्लियर है यार, ये क्लास ना ऐसे नहीं रहेगी कि हम सब अलग रहेंगे, हम सब एक रहेंगे. दिस विल बी अ कोर ग्रुप, समझ रहे हैं हम. इसमें ऐसा नहीं रखना कि चार लोग हैं वो बिल्कुल अलग एक ग्रुप बना लेंगे. हम सब ने एक ग्रुप बनाना है अपना, जिसमें हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे. बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग हो, है ना, किसी ने किसी से कुछ ना कुछ सीखने का ही मौका मिलेगा. तो कीप शेयरिंग, वी ऑल विल बी वेरी ओपन. वॉट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी क्रिएटिंग अ टेलीग्राम ग्रुप. पिछले साल भी बनाया था, हर साल बनता है, एक टेलीग्राम ग्रुप होगा. उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी कॉन्टेंट मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ, वो सब मैं उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगा. डन. सो ऑल ऑफ अस विल ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप. वो करना ही करना है सबने. उसमें फायदा क्या है, अगर आपने क्लास मिस करी, कुछ भी हुआ, आप नहीं देख पा रहे, समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ, समहाउ यू आर नॉट एबल टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, वो टेलीग्राम ग्रुप पे हर चीज अपडेटेड रहेगी, राइट. आप 2 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, 2 साल बाद भी देखो, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मटेरियल पड़ा रहेगा, आपका रिसोर्स मटेरियल गायब नहीं होगा. डन. सो वी विल हैव दैट टेलीग्राम ग्रुप. वो मैं आज या कल में जब एक बार फाइनल हमारा लॉट बन जाएगा तब मैं क्रिएट करूंगा, आई विल शेयर इट विद यू. कल से हम सब सिलेबस अपने हाथ में रखेंगे और सिलेबस को रेफर करना शुरू कर देंगे. एंथ्रोपोलॉजी को कवर करने के लिए हमें लगभग 5.5 महीने लगते हैं. उसका कारण क्या है, क्लासेस विल बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. बट मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा कम करूं, बट ओनली इफ यू ऑल आर टुगेदर एंड यू सपोर्ट मी इन दिस. हाउ यू विल सपोर्ट मी, अगर हम कुछ क्लासेस सैटरडे संडे को रख लिया करें कभी कभी, राइट, नॉट एवरी सैटरडे संडे, हर सैटरडे संडे पे बर्डन नहीं लेंगे, किसी किसी पे रख लेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे वाली क्लास, कभी 1 घंटे के मिला मौका तो 1 घंटा रख लिया करेंगे. 5.5 महीने में हम A to Z कवर करने की कोशिश करेंगे. मतलब जो नोट मेकिंग होगी वो आज से शुरू हो जाएगी हमारी, राइट. वेरी फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट राइटिंग टुडे इटसेल्फ. बहुत सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा, कुछ चीज़ों की मैं PDFs भी दूंगा जो बहुत बेसिक है, जिनके बारे में डिस्कशन करके काम चल सकता है, उनको स्मार्टली कवर करेंगे, राइट. तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके नोट्स किसी और दुनिया में हैं और ये PDF किसी और दुनिया में है. इसको मर्ज आपने करके चलना है, राइट. कुछ एक एरियाज ऐसे आएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करने होंगे. जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर मैं आपको बताता रहूंगा कि देखो इसके ऊपर करंट आ सकता है कुछ. तो कोई आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, तो यहां पर मर्ज करवाना उसको. ये कुछ चीजें अगर साथ साथ में करते रहोगे तो ये अपने आप में जो नोट्स बनेंगे होलिस्टिक बन जाएंगे, बाद में जाकर नहीं होती ये चीजें, राइट. तो साथ साथ में करते रहेंगे. आई वॉन्ट वन मोर थिंग फ्रॉम यू. हमने आज Day 1 पे कुछ पढ़ा, Day 2 पे पढ़ा, 3 पे पढ़ा, 4 पे पढ़ा, 5 पे पढ़ा, एक हफ्ता पढ़ लिया.
कोशिश करनी है वीकेंड के ऊपर घर पे जाके जो 5 दिन में पढ़ा है उसके 2 पेज बना के शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेने हैं, मतलब हफ्ते के हफ्ते रिविजन का प्लान, ये आपका रहेगा सबका, राइट। जिस दिन हमें लगेगा कि हमारा कुछ कंसिडरेबल पोर्शन खत्म हुआ उसी दिन से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो हमने वेट नहीं करनी कि हम 6 महीने बाद ही पहला टेस्ट लिखेंगे, नहीं। जिस दिन मुझे लगा कि आपके पास कंसिडरेबल मटेरियल है पढ़ने का, पढ़ो टेस्ट दो। ऑफलाइन बच्चे के लिए टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि क्लास के माहौल में ही रखें, घर पे मैं चाहूँगा नहीं कि हम घर पे टेस्ट दें, राइट। तो किसी दिन ऑफ लिया करेंगे, सैटरडे को बुलाया करूँगा आपको, तो सैटरडे को आके टेस्ट दे दिया करेंगे, संडे को आके टेस्ट दे दिया करेंगे, जब भी हम लोग आपस में म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। नथिंग इन दिस क्लास विल हैपन अकॉर्डिंग टू मी, एवरीथिंग वी विल डिसाइड म्यूचुअली, हर चीज़ म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, वैसे चलेगा सब कुछ। एंथ्रोपोलॉजी को आज कोशिश करनी है डिफाइन करने की, आज शुरुआत हम करेंगे इन 3 यूनिट्स से। बट बिफोर आई टॉक अबाउट दीज 3 यूनिट्स, मैं चाहता हूं कि इन यूनिट्स को ना आप अपने नोटबुक में लिखो, पहले तो लिखो कि है क्या ये। एक्सक्यूज मी, बैकग्राउंड +2 मेडिकल ग्रेजुएशन, बीए हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड इंग्लिश लिटरेचर, एंड टारगेट इज 2026, परफेक्ट। वेलकम टू द क्लास भावना। दीज आर द 3 यूनिट्स दैट वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टुडे इटसेल्फ, आज ही बात करनी शुरू कर देंगे। सबसे पहले मीनिंग, स्कोप, डेवलपमेंट, फिर रिलेशनशिप्स विद अदर डिसिप्लिन्स, थर्ड मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एक बार ये लिख लो, फिर एक एक करके डिस्कशन करनी शुरू करते हैं इसकी। Online students, you are as much a part of the class as the offline students are. So if you have anything in your mind, you can simply write in the chat box. Mere bilkul samne hi mujhe dikh raha hai whatever you are writing. So it is not going to be any hassle for me. But I want you to be equally, you know, participating in the class. Aisa nahi hona chahiye ke 2-3 log dekhte dekhte so hi gaye. Woh hisab nahi hona chahiye. Be actively involved. Tabhi maza aayega. Once you've written, let me know. Yaar, ek baar dobara batana, what did you say? 1.1, 2, 3, 6, and 8. राइट ऑन पेपर, नहीं सारा लिखना है, सिलेबस तो पूरा लिख के आना है आपने। हमने सबसे पहले ये करना है, वो हमारी स्कीम ऑफ स्टडी है, बट आपने तो सारा सिलेबस लिख के आना है, राइट। लिख लिया जी, डन। 1.1 में सिलेबस बोलता है कि पहले समझो मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 2018 डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर 2019, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। मतलब ये जितना आसान लग रहा है हमें, जितना लग रहा है कि आज तो बेसिक बात है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो किसी चीज को लाइटली लेके नहीं चलेंगे हम। अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी अभी तक आपको कुछ बेस तो समझ में आ ही चुका है ना। तो मैं अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं, एंथ्रोपोलॉजी बनी है 2 शब्दों से, 2 शब्द है ये, एंथ्रोपोस एंड लोगोस।
एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? एनीबडी? ह्यूमन, मैन, मैनकाइंड। एंथ्रोपोस बेसिकली इज समथिंग रिवॉल्विंग अराउंड ह्यूमंस, ह्यूमंस के बारे में बात। लोगोस का मतलब होता है, लोगोस तो हर चीज में दिखता है हमें, सोशियोलॉजी बोल लो वहां पर भी लोगो लगा हुआ है, राइट। और जूलॉजी देख लो, राइट, जहां जहां पर भी ऑलॉजी लगा हुआ है, ऑलॉजी जो है बेसिकली वो लोगोस की बात करता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी में स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सर्टन सब्जेक्ट्स, अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं तो साइंटिफिक प्लस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें अप्रोच में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जब भी ह्यूमंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यार, आई विल मेक यू राइट ईच एंड एवरी वर्ड, सब कुछ लिखवाऊंगा मैं, कुछ नहीं लिखना, राइट। तो 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन की, उसको समझना एंड टू एंड इज एंथ्रोपोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि सर एंथ्रोपोलॉजी में आपने बोला कि ह्यूमन को स्टडी करते हैं, ऐसे तो हम सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन को ही स्टडी करते हैं कि नहीं? ह्यूमन को नहीं स्टडी करते सोशियोलॉजी में, क्या करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी से अलग कैसे है सोशियोलॉजी? वो सोसाइटी को स्टडी करती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सोसाइटी को स्टडी करने का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। अगर किसी एक इंसान की बात करूं, उसके पास्ट को स्टडी करने का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अगर इंसान की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करना हो तो उस सब्जेक्ट को हम PSIR बोल देते हैं, है ना। देयर आर सेवरल सब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट। इन सब से डिफरेंट है एंथ्रोपोलॉजी, उसका कारण क्या है? इन सब के अंदर हमने कोई ना कोई एक चीज को पकड़ के रखा है ह्यूमंस की। मतलब PSIR की बात करें तो इंसान अपने आप को पॉलिटिकली कैसे असेंबल करता है, कैसे सिस्टम क्रिएट करता है, किस तरह से गवर्नेंस का मैकेनिज्म चलाता है, अपने आप को गवर्न करता है और अपनी सोसाइटी को किस तरह से चलाने की कोशिश करता है गवर्निंग मैकेनिज्म के हिसाब से, वो हम समझते हैं PSIR में। सिमिलरली सोसाइटी का एस्पेक्ट सोशियोलॉजी में पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री का, पास्ट का एस्पेक्ट, लगभग पिछले 5000 साल के अंदर क्या क्या हुआ, क्या टाइमलाइन है, वो समझ लेते हैं हिस्ट्री से। फिर एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो इंसान को 360 डिग्री कवर करे, जो इंसान के हर एस्पेक्ट को, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ ले, उसकी सोसाइटी भी पढ़ ले, उसका कल्चर भी पढ़ ले, उसकी लैंग्वेज भी पढ़ ले, उसकी बायोलॉजी भी पढ़ ले, उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले। ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता था। तो एरिस्टोटल साहब ने एक बार टर्म दे दी एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो इसलिए कई बार एरिस्टोटल को ही मान लिया जाता है कि ही इज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। हालांकि ये डिबेटेबल है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ एक टर्म कॉइन कर दी थी, उन्होंने कभी भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ मिलकर इसके ऊपर काम नहीं किया, रिसर्च नहीं करी, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन उनका नहीं रहा, बट ही वॉज द वन हु कॉइंड द टर्म एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का माइंड सेट होगा टोटैलिटी, हमने टोटैलिटी पे काम करना है, हमने हर एस्पेक्ट पढ़ देना है। वॉट एवर वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमंस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंथ्रोपोलॉजी इन सबसे डिफरेंट है, राइट, क्योंकि ये सब अपने एरियाज में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की बात कर लो, हम यहां पर भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये पढ़ेगी 5000 साल पहले की, हम तो इससे भी बहुत टाइम पहले की पढ़ लेंगे, राइट। हम तो इसके हिस्ट्री के पीछे चले जाएंगे, पॉलिटी से ज्यादा वाइड हो जाएंगे, हम जिस डोमेन में एंटर करना चाहें हम कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप इज एंडलेस। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं बात करूं 360 डिग्री अप्रोच की, सोशियोलॉजी स्टडी करती है प्रेजेंट और फ्यूचर, करंट सोसाइटी कैसी है और करंट सोसाइटी में जो दिक्कतें हैं मैं उनको कैसे ठीक कर सकता हूं। क्या सोशियोलॉजी पास्ट ट्रेंड्स देखती है? आंसर इज नो। एंथ्रोपोलॉजी पास्ट में भी जाती है, राइट। अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात करूंगा, हमने पास्ट भी देखना है, हमने प्रेजेंट भी देखना है और इस तरह से पढ़ना है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ चीजों को समझ सकें, ड्रॉ कर सकें कुछ आउटकम्स, ताकि कुछ चीजें स्टडी करके, कुछ रिसर्च करके हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें और समझ सकें कि कल को क्या हो सकता है ह्यूमन की जिंदगी में, इंसान कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता, राइट। तो ये ऐसा डिसिप्लिन है जिसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही और वो बहुत सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
जब भी हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की, जो सब्जेक्ट है, अगर प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से देखो, वी ऑल विल बाय दिस बुक. ये एक बुक है जो हम सब ने खरीदनी है, और सेम खरीदनी है, डिफरेंट नहीं खरीदनी. ये बुक क्यों खरीदनी है, इसका कारण बहुत सिंपल है. इसमें सारे के सारे PYQs होंगे, और ये PYQs यूनिट वाइज होंगे. मतलब जब आज घर जाके 1.1 देखोगे, तो 1.1 के जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं वो सारे के सारे लिखे होंगे, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, एवरीबडी विल बाय दिस बुक. अमेजोन पे मिल जाएगी, मार्केट पे मिल जाएगी. ट्राई करो इसको आज या कल में उठाने की. आज कल में नहीं उठा पाते, नेक्स्ट वीक तक ये आपके सबके डेस्क पे होनी चाहिए. ये डेली आएगी क्लास में, एवरी सिंगल डे दिस बुक विल बी विद अस, राइट. क्योंकि हम हर दिन हम जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि आता भी है इसके ऊपर. स्मार्टली पढ़ेंगे यार, जिसके ऊपर से एक यूनिट है 1.7 पढ़ना, कोई किसी के पास सिलेबस है, व्हाट इज 1.7 देखना. जिस यूनिट से आप सब लोग डरते हो ना, वही यूनिट है ये. पढ़ना एक बार 1.7, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, आगे कॉमा, डर लगता है सबको बायोलॉजी वाला, है ना, किसी किसी को लगता होगा. ये 1.7 जो टॉपिक है ना, यूनिट है. प्रीवियस ईयर पेपर देखना, इसमें से सवाल ही नहीं आते. अब मैं किसको समझाऊं कि यार बायोलॉजी से डरना एक अलग बात है, बट 1.7 में से क्वेश्चन ही नहीं आता यार. कभी कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया कि सेल सिंथेसिस बता दो यार, कभी पूछा ही नहीं. एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर ध्यान रखना है, वो है अप्लाइड पार्ट. 1.7 इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो बहुत चीजें समझ नहीं आएंगी, ये 100% है, बट इसके ऊपर से क्वेश्चन ही नहीं आता यार. सो हमने क्या करना है, हमने अंडरस्टैंड करना है कौन से यूनिट में से कितने क्वेश्चन बनते हैं. जितने क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उतना ज्यादा वो यूनिट इंपॉर्टेंट है. तो आपको पता तो होना चाहिए ना क्लास में बैठे हुए कि आज हमने जो करना है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कितने नंबर का उसमें हर साल पेपर आता है, तभी तो समझ में आएगी गेम. सो दिस बुक वी विल बाय, एंड मैं सीधा रेफरेंस दिया करूंगा इस नंबर का. इस नंबर पेज के ऊपर एक क्वेश्चन है, पढ़ो. एवरीबडी शुड हैव द बुक. इस नंबर पे ये तीन क्वेश्चन है, कल लिख के लाने हैं, बात खत्म, राइट. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मतलब मैं चाहता हूं जब तक हमारा कोर्स खत्म हो तब तक आपके हाथों से सारे प्रीवियस ईयर एक बार निकल चुके होने चाहिए. वो नहीं कि सिलेबस खत्म किया जी उसके बाद लिखना शुरू किया, वो नहीं, साथ साथ एक बार खत्म कर देने सारे के सारे, डन. एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली. ये तो हमने एस्टैब्लिश कर ही लिया कि एंथ्रोपोस और लोगोस का एक कॉम्बिनेशन होता है ये. कईयों ने बोला कि ये साइंटिफिक स्टडी है, राइट. कईयों ने बोला नहीं, ये ह्यूमनिस्टिक स्टडी है. एक डिबेट चली बहुत बड़ी कि क्या एंथ्रोपोलॉजी साइंस है या ये ह्यूमैनिटीज है. मतलब ह्यूमैनिटीज में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या एंथ्रोपोलॉजी को इनके साथ बांधा जाएगा, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, या इसके साथ बांधा जाए, किया क्या जाए. क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी बोलती है मैं टोटैलिटी की बात करूंगा, तो मतलब ये दोनों जगह आती है. कुछ एक चीजें ऐसी होंगी जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी का एस्पेक्ट एंथ्रोपोलॉजी में भी आने लग गया, हिस्ट्री का एस्पेक्ट भी आने लग गया, ज्योग्राफी का एस्पेक्ट भी आने लग गया. मतलब एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटीज तो है ही, है ना. इसके अलावा जब एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन की बॉडी को स्टडी करना पड़ा तो यहां पर बायोलॉजी की एंट्री भी हुई, तो मतलब इसके अंदर थोड़ी बहुत साइंस भी है. तो फिर क्या ये सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होगा या फिर साइंसेस का सब्जेक्ट होगा. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. एक इंटरव्यू ले रहा था मैं, यूपीएससी में मेंस लिख चुका है बच्चा. इमेजिन करो, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के साथ यूपीएससी में मेंस लिख चुका है और मॉक इंटरव्यू के लिए आया. मेरा एक ही सवाल था उससे कि क्या एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमैनिटीज है या साइंस है, एंड हिज आंसर वॉज सर साइंस. इमेजिन करने वाली बात यह है कि उसका बेस जो था, जो सबसे पहले दिन हम कवर कर लेते हैं ना कि क्या ये ह्यूमैनिटीज है या साइंस है, वो उस चीज में भी क्लियर नहीं था बच्चा और मेंस लिख रहा है वो, राइट. हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, किसको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और वो मेंस लिख रहा है उस सब्जेक्ट के साथ. मैंने उसको बिठाया, समझाया कि भाई तेरे को पकड़ लेंगे एंथ्रोपोलॉजी में ही, बेसिक्स में ही पकड़ा जाएगा तू, राइट. वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि एंथ्रोपोलॉजी दोनों जगह फिट बैठती है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट इज़ नॉट इंटायरली साइंस, इट इज़ नॉट इंटायरली ह्यूमैनिटीज. कुछ लोगों ने यह भी बोला है कि एंथ्रोपोलॉजी इज मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज. मतलब अगर इनकी बात करो,
इनमें से सबसे ज्यादा साइंटिफिक एंथ्रोपोलॉजी है, अगर इनकी बात करो इनमें से सबसे ज्यादा ह्यूमनिस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है. सो इट इज अ सब्जेक्ट विच इज मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज एंड मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ ऑल साइंसेस. राइट, ये आपको डेफिनेशन याद भी करनी पड़ेगी, लिखवाऊंगा भी आगे चल के. राइट, ये ऐसा डिसिप्लिन है जो इंसान के बारे में इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी रखता है. मतलब अगर हर चीज जानने का मन है ना ह्यूमन के बारे में, तो यही सब्जेक्ट पढ़ो, और कोई सब्जेक्ट नहीं है. हर चीज में इंटरेस्ट है. कई लोगों ने तो ये भी बोला कि भैया कुछ नहीं है एंथ्रोपोलॉजी यार, कुछ लोग हैं चुगलीखोर हैं, चुगलियां करते हैं इंसान के बारे में. तो इट इज अ गॉसिप रिवॉल्विंग ह्यूमंस. और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चुगलखोर इंसान है, गॉसिप करता है इंसान के हर चीज के बारे में. सब जानना है उसको, उसकी सोसाइटी कैसी है, मैरिज कैसे करता है, फैमिली कैसे है, किनशिप किस तरह से करता है, कौन से इंसान की किस इंसान के साथ शादी हो सकती है, क्या किसी एक सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि हायर कास्ट लोअर कास्ट से शादी कर ले, लोअर कास्ट हायर, मुझे सब जानना है. मैं कौन हूँ? एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो एंथ्रोपोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड ह्यूमन बींग्स, हर चीज जानने की कोशिश करता है. तो बहुत लोगों ने इसको अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने इसका स्कोप डिफाइन करने की कोशिश करी, बहुत लोग डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन भी करते हैं. राइट, उसको लिखना भी शुरू करेंगे. इंसान के अंदर पढ़ना क्या है अदरवाइज, अगर आप देखो ना, लगभग 143 ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी की. राइट, इमेजिन 143, आपके सिलेबस में कितनी है? 4. राइट, आपके सिलेबस में है 4, एग्जिस्ट कितनी करती है? 143. आपके सिलेबस में जो एग्जिस्ट करती है 4 ब्रांचेस, ये ब्रांचेस दी गई थी बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन, हिज नेम वॉज फ्रांस बॉयस. राइट, इनके बारे में बहुत चर्चा होगी, बहुत बातें करनी है हमने इनके बारे में, बड़े इंपॉर्टेंट इंसान है एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से, फाउंडिंग फादर है एंथ्रोपोलॉजी के. राइट, इन्होंने बोला कि 4 कोर ब्रांचेस हैं, मेजर ब्रांचेस, इनके अंदर से सब ब्रांचेस निकाल लो जितनी मर्जी. चाहे आप बोल रहे हो 143 ब्रांचेस हैं, होंगी, बट मेजॉरिटी में 4 ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी, और आपके सिलेबस में भी वो चारों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं. नंबर 1 इज फिजिकल और बायोलॉजिकल, नंबर 2 इज सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 3 इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 4 इज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. राइट, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए. राइट, अब समझने की बात ये भी है कि ये 4 तो ब्रांचेस हैं, आपके सिलेबस में ये कहां कहां पे कवर होनी है. पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में ही फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, पेपर 1 में ही लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है. बट मैं इसको बड़ा मानता नहीं. क्यों नहीं मानता इसको बड़ा मैं? क्योंकि सिर्फ एक यूनिट है इसकी, 1 सिंगल यूनिट, यूनिट 7.0. देख लो एक बार, मैम आपने सिलेबस लिखा हुआ, एक बार 7.0 यूनिट क्या है? पेपर 1 दैट इज इट. तो जो एक पूरी ब्रांच है आपके सिलेबस में, वो सिर्फ एक यूनिट है. इसी के अलावा अगर हम इन सब की बात कर रहे हैं, तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी इसमें आ जाता है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी इसमें आ जाता है. आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, यहाँ पर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है. राइट, तो आपके सिलेबस में तो फ्रैक्शन ऑफ सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन है, हमने उतना डीप जाना ही नहीं. दिस इज द रीजन व्हाई आई वॉज टेलिंग यू कि मैंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थोड़ा बनाना है यार आपको, मैंने सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी को क्या चाहिए वो करवाना है. हमारा काम बहुत छोटा है उस कंपैरिजन में. जितना बड़ा ये सब्जेक्ट है उतना ही छोटा पोर्शन यूपीएससी ने डाला हुआ है. बट अच्छी बात क्या है, यूपीएससी ने ये मेहनत जरूर करी है. मुझे नहीं पता किसने डिफाइन किया है सिलेबस, बट जिसने भी किया मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ. उन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी उठाई और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जितने ब्रांचेस लिख सकते थे सारे लिख दिए सिलेबस में. इसलिए ना, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस उठाओ तो 5-7 पन्ने निकलते हैं, किसी और सब्जेक्ट को उठाओ 3 पन्नों में खत्म. इन्होंने सारा डिफाइन कर दिया, बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है. सवाल ये उठा कि भैया ठीक है, एरिस्टोटल साहब ने कॉइन तो कर दी टर्म कि एंथ्रोपोलॉजी एक टर्म है, बट क्या एरिस्टोटल को फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बोला जा सकता है? एक बात बताओ, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, ये कुछ नाम आपने सुने होंगे, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या नया सब्जेक्ट है या पुराना सब्जेक्ट है कंपैरिजन में, मतलब मैं आपसे चाहता क्यों समझना कि क्या हिस्ट्री पहले आई होगी या एंथ्रोपोलॉजी पहले आई होगी?
क्या मान के चल लो पॉलिटिकल साइंस पहले आई होगी या फिर एंथ्रोपोलॉजी पहले आया होगा, क्या फिलॉसफी पहले आई होगी या एंथ्रोपोलॉजी पहले आया होगा, एंथ्रोपोलॉजी पहले आई होगी, उल्टा है, एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑफ द न्यूएस्ट डिसिप्लिन दैट हैज बीन फॉर्म्ड, सारे के सारे डिसिप्लिन पुराने हैं राइट, उनके बाद जाके एंथ्रोपोलॉजी बना हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी तो एक बहुत ही नया डिसिप्लिन है, इसकी टर्म इन्होंने जरूर दे दी, इसलिए इनको बोल दिया जाता है फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी राइट। बट ऐसे ही ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के फादर हैं, फिलॉसफी के फादर भी यही हैं राइट, जूलॉजी के फादर भी यही हैं राइट, एंथ्रोपोलॉजी के फादर भी बोल दिया जाता है इनको, साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है इनको, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है इनको। तो एक्चुअल में डिबेट ये उठती है कि भैया फिर फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैं कौन राइट। इस डिबेट पे बहुत सारे लोगों का नाम आता है, देर आर फोर फाउंडिंग फादर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, हमारे हिसाब से चार फाउंडिंग फादर्स हैं, बट उनके बारे में लिखना बाद में शुरू करेंगे। उनमें से एक नाम फ्रांस बॉयस का भी है, बट उससे पहले लेट अस स्टार्ट मेकिंग आर नोट्स, कुछ बेसिक बातें लिखते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं, धीरे 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 आगे चलेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू रश इन टू द सब्जेक्ट, जहां पर भी डाउट हो रुको पूछो एंड वी विल कीप आंसरिंग ऑल द डाउट्स दैट यू हैव। लिखो जी इंट्रोडक्शन। हाँ जी मैम, सिवापिथेकस, करेक्ट करेक्ट मैम। एक्चुअली में हुआ क्या, डिसिप्लिन की जो फॉर्मेशन है वो लेटर स्टेज के ऊपर हुई है, चीजें तो एग्जिस्ट कर रही थी पुरानी, हिस्ट्री तो एग्जिस्ट कर रही थी, बट ये बात है कि हिस्ट्री को उस तरीके से पढ़ने का प्लान नहीं था पहले। तो जब ये डिसिप्लिन फॉर्म हुआ, ये डिसिप्लिन आज भी इवॉल्व हो रहा है, ये डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आज भी पूरा बन गया, ये आज भी इवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ना, जिस तरह से बायोलॉजी इवॉल्व हो रही है राइट, एवोल्यूशन तो रुकी नहीं है ना, इंसान तो बदल ही रहा है, हम भी अभी भी बदल ही रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि द वे इंडियंस और ह्यूमंस आर नाउ यूजिंग मोबाइल फोन्स, हमारी नेक के पोस्चर्स बदल जाएंगे आने वाले समय में राइट। एक आपने थ्योरी है बड़ी फेमस, मैं अभी चलो आपको डराना नहीं चाहता, बट कुछ एक थ्योरीज हम पढ़ेंगे आगे चल के, यूज़ एंड डिसयूज थ्योरी हम पढ़ेंगे उसको। उसमें बोला गया है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो ज़्यादा इवॉल्व होगी, जिस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे वो इवॉल्व नहीं होगी। सही बात है, अगर आप रोज़ जिम जाते हो और राइट हैंड से मसल बनाने का काम करना शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड से कुछ करो ही ना, ये थोड़ा बन जाएगा बैठा बैठा। इवॉल्व कौन सी चीज़ होगी, जो चीज़ यूज़ होगी। तो अगर आज हम गर्दन बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो गर्दन इवॉल्व हो जाएगी किसी ना किसी तरह से। तो अगर बायोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी भी इवॉल्व हो ही जा रहा है, ये भी बदल ही जा रहा है सब्जेक्ट, नई नई रिसर्च हो ही जा रही है, सब्जेक्ट बदल ही जा रहा है। जीन की स्टडी करते हैं हम, जेनेटिक स्टडीज जैसे जैसे इंप्रूव हो ही जा रही हैं, सब्जेक्ट बदल ही जा रहा है। तो हालांकि सब्जेक्ट नया है, इसमें चीज़ें हम बहुत सारी पुरानी भी पढ़ रहे हैं, बट सब्जेक्ट जब फॉर्म हुआ तो इन सब के बाद फॉर्म हुआ, जब ये सब कुछ इकट्ठा हो गया था, उन सबको क्लब करके एंथ्रोपोलॉजी बना दिया गया, मतलब सब इंडिपेंडेंट चीज़ों में एग्जिस्ट कर रहा था, सबको जोड़ के एंथ्रोपोलॉजी बनाकर होलिस्टिक डिसिप्लिन बनाया गया। एंथ्रोपोलॉजी की जब भी बात होगी तो ये शब्द हमेशा आता है, होलिज्म। एंथ्रोपोलॉजी बात करती है कि हमने ह्यूमन का होल पढ़ना है, हर चीज, एवरीथिंग अबाउट ह्यूमंस। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स थे ये पहले बन चुके थे, एंथ्रोपोलॉजी ने बाद में आके सबको जोड़ के ह्यूमन के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया, तब बना एंथ्रोपोलॉजी। डन, लिखना शुरू करो। सबसे पहले तो यही लिखो, एंथ्रोपोलॉजी इज एंथ्रोपोस प्लस लोगोस। नीचे मेंशन करो इसका मतलब क्या है, ह्यूमंस, मैन, मैनकाइंड, लोगोस इज स्टडी, स्टडी के ब्रैकेट में लिखो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक, इसके नीचे लिखना शुरू करो, इट इज कंसिडर्ड दैट Aristotle was the first one. who coined the term anthropology.
Aristotle was the first one who coined the term anthropology and is broadly accepted as the father of anthropology इसी के साथ नीचे लिखो, एरिस्टोटल डिफाइंड एंथ्रोपोलॉजी एज gossip that revolves around man and hence an anthropologist is the gossiper. इसके नीचे लिखना शुरू करिए, वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंड रिसर्चर्स डिफाइंड एंथ्रोपोलॉजी इन डिफरेंट वेज बट द थीम the theme of all the definitions revolves around certain common points. Number one, anthropology is concerned with typical biological and cultural characteristics. of human population in all parts of the world, during all periods of time. Anthropology is concerned with typical biological and cultural characteristics of human population in all parts of the world during all periods of time. एक बार पढ़ो इस सेंटेंस को, क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां पे? What are we trying to say? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यार एंथ्रोपोलॉजी में ना तो कोई टाइम का बैरियर है, ना ही कोई ज्योग्राफी का बैरियर है. तो वी गो बियॉन्ड टाइम. हम पुरानी से पुरानी चीज मिल जाए हम उसको पढ़ लेते हैं, नई से नई चीज मिल जाए हम उसको पढ़ लेते हैं. मतलब अगर आज मेरा मन करे कि मैं इस बिल्डिंग के नीचे खोदना शुरू कर दूं, खुदाई कर दूं, क्या मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा. कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है यार. ऐसा ही हुआ एक बार, इंसान ने खोजना शुरू किया और बोला कि यार खोज के क्या ही निकलेगा. लोगों ने बोला कि सेडिमेंटेशन होती है यार, कोई भी चीज़ अगर लंबे समय तक पड़ी रहेगी, ऊपर से मिट्टी आएगी, बारिश पड़ेगी, वो नीचे धस जाएगी. कुछ एक रिमेन्स होते हैं जो पड़े रहते हैं एज इट इज. तो किसी ने खोदना शुरू किया और एक पॉट मिला, मिट्टी का एक कुछ ऐसा पॉट मिला जिसके अंदर एक पॉलन ग्रेन फंसा हुआ था. उन्हें बोला यार क्या सर्च करने का फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, कुछ निकला तो है नहीं, ना सोना ना हीरे ना जवाहरात, फ़ायदा क्या? उन्होंने बोला उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पॉलन ग्रेन फंसा हुआ है मिट्टी के बर्तन में, इससे ये पता चलता है कि कोई सोसाइटी इतने साल पुरानी ऐसी हुआ करती थी जो एग्रीकल्चर फॉलो करती थी.
अगर पॉलन ग्रेन मिट्टी के बर्तन में फंसा है, इसका मतलब वो एग्रीकल्चर भी करते थे और वो पॉलन ग्रेन जैसी चीज़ों में मतलब कुछ ना कुछ पैदावार थी जिसको स्टोर भी किया करते थे। मतलब हो सकता है कि क्या उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती होगी, ये भी हो सकता है। हो सकता है वो खाने पीने के लिए बचा के रखते होते। मतलब इसका मतलब सोसाइटी इतनी इवॉल्व थी कि उनको एग्रीकल्चर की समझ थी। मतलब पुरानी से पुरानी चीज़ अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को मिल जाए वो छोड़ेगा नहीं, वो उसको भी पढ़ेगा। मॉडर्न डे कुछ भी चीज़ मिल जाए वो उसको भी नहीं छोड़ता। मॉडर्न डे एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो ह्यूमंस के साथ कैसे मैच कर रही है, मॉडर्न डे एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसकी स्टडी कर रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए कोई बार नहीं है भाई टाइम का। पुराना से पुराना, नया से नया, सब कुछ। इंडिया के एक गांव के अंदर एक छोटे से ट्राइब को पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े शहर के अंदर एक मॉडर्न फैमिली को पढ़ना। हमारे लिए सब एक बराबर है, राइट? बट भावना कभी भी किसी को ऊपर या नीचे दिखाने की नहीं है, ये करने की नहीं है कि अगर मैं एक छोटे से गांव में एक ट्राइब को पढ़ रहा हूँ उनके किसी सिस्टम का मैं मजाक बनाऊँ। नहीं, एंथ्रोपोलॉजी वो नहीं करती। एंथ्रोपोलॉजी रिस्पेक्ट करती है एक किसी भी इंसान की, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। वी ट्राई टू कंसिडर एवरीबडी एज परफेक्ट इन देयर ओन सेटिंग। सब बढ़िया है भाई, जो चल रहा है सब बढ़िया, उसको पढ़ लो बस। उसके बारे में कमेंट देना एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम नहीं है। सही है गलत है, दिस इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड। मेरा काम है स्टडी करना। अगर मैं पॉलीगैमी पढ़ता हूँ, पॉलीगैमी में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। हमारी सोसाइटी में आज अगर मैं इंडिया की बात करूँ, उसमें नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, माइट नॉट बी वेरी एक्सेप्टेबल। देर आर सेवरल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड जहाँ पर एक्सेप्टेबल है। मेरा काम ये नहीं है बताना कि यार ये सही है ये गलत है। मैं यहाँ पर पॉलीगैमी पढ़ लूँगा, वहाँ पर मैं मोनोगैमी पढ़ लूँगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कहीं पर कज़न मैरिजेज है, कहीं पर कज़न मैरिजेज नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि सही है या नहीं है। मेरा काम ये है कि एंथ्रोपोलॉजी में अगर कज़न मैरिज पढ़ूंगा तो क्या कज़न मैरिज का होना इंसान के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायी हो सकता है? आर देयर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कज़न मैरिज? हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कज़न मैरिज? लाइक फॉर एग्जाम्पल जेनेटिकली देयर कैन बी अ बर्डन ऑन द एंटायर फैमिली। अगर वही जेनेटिक पूल कुछ लोगों के बीच में ही घूमे जा रहा है, उनमें से कोई एक फॉल्टी निकल आया जीन, इट विल इंपैक्ट दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिर्फ पढ़ता है विदाउट पासिंग कमेंट्स, उससे स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उससे कुछ आउटकम निकालने की कोशिश करता है। मतलब एंथ्रोपोलॉजी का फायदा ये नहीं है कि गॉसिप करी और भूल गए, ये एरिस्टोटल का माइंड था। आज के समय में गॉसिप करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उसकी कोई आउटकम निकालने की भी कोशिश करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगर उसको पता है कि जीन फॉल्टी होने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जैसे नाम की एक चीज़ पैदा हो सकती है, तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम है कि वो बताए सबको कि भैया जितना वेरीड मैरिजेस हो सकती हैं उतना अच्छा होगा सर्वाइवल के लिए। अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में आ गए तो ख़त्म हो जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ये है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी किसी भी एस्पेक्ट को स्टडी कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में ठंड बहुत है तो लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़ों के नीचे कांगड़ी पहनते हैं। व्हाट इज कांगड़ी? एनीबडी हु नोज व्हाट इज कांगड़ी? कांगड़ी होता है एक अर्दन पॉट, छोटा सा एक पॉट होता है, उसके अंदर गर्म कोयला होता है ताकि उनको वॉर्म्थ मिलती रहे। तो वहाँ पर ठंड इतनी है कि उसके बिना काम नहीं चलता। एवरीबडी कैरीज दैट अलॉन्ग विद देम। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है उसका कल्चर का एस्पेक्ट के, अच्छा ये लोग सर्दी से बचने के लिए ये कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं, ये इनका पार्ट ऑफ कल्चर है आज, तो इनके कपड़े वैसे ही बनेंगे कि कांगड़ी वहां पर बैठी रहे, सेटल हो जाए। दे कैन नॉट वेयर टाइट क्लोथ्स, है ना? हम सोचते हैं ना कि वाई आर दे वेयरिंग सच लूज क्लोथ्स, उसका कारण है भाई उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी कैरी करनी है। बट एंथ्रोपोलॉजी ये भी स्टडी करती है कि क्योंकि कश्मीर में लोग कांगड़ी कैरी करते हैं, इस वजह से एक स्पेसिफिक तरह की बीमारी होने लग गई वहां पर, स्किन कैंसर, जिसको कांगड़ी कैंसर बोला गया। वो उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कि एक्सेसिव हीट अपने बिल्कुल बॉडी के साथ रख रहे हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी आ गई। दिस इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मतलब एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसकी कोई आउटकम निकालना भी एंथ्रोपोलॉजी का काम है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मतलब आपको शायद अभी लग रहा हो कि सब्जेक्ट में बातें बहुत हैं, इसका फायदा इतना ज्यादा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ओलंपिक विनर रहे हैं, लगभग 28 बार ओलंपिक मेडल जीता है स्विमिंग के अंदर माइकल फिलिप्स ने। नाम सबको पता होगा, राइट? क्यों जीता है उन्होंने 28 बार ओलंपिक विनर? ऐसा कैसे हो सकता है? Why did he regularly win Olympics? Swimming में number one ही रहे हैं, number two क्यों नहीं आया आज तक? उसका answer दिया anthropology ने। Anthropology ने उनकी body को study किया
उनकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ली. व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट? छाती कितनी चौड़ी है, लिम्स कितने लंबे हैं, हाथ कितने चौड़े हैं, उनकी पूरी बॉडी की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ली. राइट, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लेके समझ में आया कि एक रेगुलर ह्यूमन बींग से ज्यादा चौड़ी उनकी छाती थी. ब्रॉड शोल्डर्स और ब्रॉड चेस्ट होने की वजह से ये सारा एरिया फिन्स की तरह काम कर रहा था. मतलब ही वॉज रेप्लीकेटिंग वेरी क्लोजली टू फिशेज. उनकी मूवमेंट बाकी लोगों की मूवमेंट में फर्क ही बहुत था. आज तक किसी डिसिप्लिन ने रिसर्च नहीं करी. एंथ्रोपोलॉजी की एप्लीकेशन आई एंथ्रोपोमेट्री. एंथ्रोपोमेट्री ने बताया कि ये इंसान बेस्ट फिट फॉर स्विमिंग है. आज की डेट में एंथ्रोपोमेट्री अपने आप में एक फील्ड है, आप लोग भी करवा सकते हो. और मैं सजेशन भी दूंगा, अगर कल को फ्यूचर में किसी को सजेशन देना हो ना कि किसी ने स्पोर्ट्स में जाना है, उसको बोल पहले अपनी सारी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करवा. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करवा के शरीर की एक एक चीज की मेजरमेंट करवा, उसमें तेरे को वही खुद बता देंगे विच स्पोर्ट आर यू बेस्ट सूटेड फॉर. आजकल लोग ऐसे ही करते हैं चूज करियर्स. हमारी तरह नहीं कि माँ बाप ने बोल दिया कि यार ये स्मार्ट है इसको एक्टर बना दो, वो नहीं. पीपल आर वेरी ऑब्जेक्टिव. एंथ्रोपोलॉजी वहाँ पर भी हेल्प करती है. तो सब्जेक्ट का स्कोप बहुत वाइड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखोगे. आपका नज़रिया बदल जाएगा यार. सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन व्हाट ऑल यू विल लर्न अबाउट योर ओन बॉडी, आप खुद अपने आप से हैरान हो जाओगे कि अच्छा इतना कुछ चल रहा है मेरे अंदर. हम किस एज ग्रुप में बैठे हैं यहाँ पर अभी? 20 से लेकर 25, 23 है ना. तो इस एज ग्रुप में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस गो थ्रू आप लोग कर रहे हो ना, जो आप लोगों को शायद पता भी नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी क्लास में. इसी दौरान इस फेज में आपके माँ बाप के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली आपकी मदर, हाउ इज हर बॉडी चेंजिंग एवरी सिंगल डे, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस इज शी गोइंग ऑन, क्यों उनका मूड ठीक नहीं रह रहा भाई आजकल, उसके पीछे एंथ्रोपोलॉजी है. आजकल वो क्यों चिड़े चिड़े रह रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर. वी विल फाइंड आंसर्स टू एवरी बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग राइट ड्यू अमाउंट ऑफ टाइम में. ये सब चीज़ें समझोगे आप और दिमाग खुल जाएगा बहुत. नेक्स्ट लेवल लिखना शुरू करो. क्या लिखा हमने लास्ट? Anthropology is concerned with typical biological and cultural characteristics of human populations in all parts of the world during all periods of time. Number one. Number two, anthropology is concerned about universals and differences. Anthropology is concerned about universals and differences in human population, in different parts of the world, existing during different time periods. तो एंथ्रोपोलॉजी हमने क्या लिखा है? इट इज कंसर्न्ड अबाउट यूनिवर्सल्स एंड डिफरेंसेस. यूनिवर्सल्स एंड डिफरेंसेस मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. तो हम सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये सोसाइटी वन है, ये सोसाइटी टू है. अगर मैरिज पढ़ रहे हैं तो दोनों की पढ़ो, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये अप्रोच से पढ़ो. ये अप्रोच से नहीं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी बेटर है, कौन सी खराब है, वो जज नहीं करना हमें. सो द फीलिंग ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म एट एवरी पॉइंट हैज टू बी देयर. ये टर्म आएगी आपकी जिंदगी में, इंट्रोड्यूस हो जाएगी, आपका नजरिया बदलेगी. कल्चरल रिलेटिविज्म, फ्रांस बॉयस ने बोला था कि कोई भी चीज पढ़नी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, उसके अंदर एक ही भावना होनी चाहिए रिलेटिविज्म की, कि मैं रिलेट करूं बस, मैं किसी को ऊपर नीचा ना दिखाऊं, मैं रिलेट करूं उसके साथ. राइट, नीचे लिखना शुरू करो. सब हेडिंग, एंथ्रोपोलॉजी एज होलिस्टिक साइंस. इट इज अ सब हेडिंग, एंथ्रोपोलॉजी एज अ होलिस्टिक साइंस. नंबर वन लिखना शुरू करिए इसके नीचे. एंथ्रोपोलॉजी इज अ कंपैरेटिव. नंबर वन, anthropology is a comparative and an integrated discipline that examines
ऑल सोसाइटीज एंड फील्ड्स दैट एग्जामिन्स ऑल सोसाइटीज एंड फील्ड्स कॉमा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑल सोसाइटीज एंड फील्ड्स कॉमा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो हमने हर चीज पढ़नी है यार. कई बार माइंड में ना आता है, जैसे कुछ लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश करी एंथ्रोपोलॉजी को और बोला एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल, क्या ये सही होगा? राइट किसी ने बोला कि नहीं यार, हाउ कैन यू से दिस, हाउ एंथ्रोपोलॉजी कैन ओनली स्टडी प्रिमिटिव पीपल, व्हाट आर प्रिमिटिव पीपल और हु आर प्रिमिटिव पीपल, फ्रॉम हुम वी हैव इवॉल्व्ड. एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स हु वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट? ह्यूमंस के ही हिस्टोरिकल पास्ट, कुछ भी पुराना ऐसा कुछ. देखो प्रिमिटिव का मतलब है दो चीजें. प्रिमिटिव एक तो नजरिया है ओल्ड देखने का, हिस्ट्री देखने का, पास्ट देखने का. एक है प्रिमिटिव में सिंपल देखने का. एंथ्रोपोलॉजी में दोनों ही रेलिवेंट है. प्रिमिटिव सोसाइटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में कई बार हम बोलते हैं कि यार वो सोसाइटी जो बड़ी पुराने टाइम से यहाँ पर रह रही है, वो भी सही है नज़रिया. एंथ्रोपोलॉजी मानती है कि भी वो सही तो है, इसके साथ साथ प्रिमिटिव का मतलब ये भी है कि वो सिंपल सोसाइटी है. मतलब वो एक ऐसी सोसाइटी है जैसी वो थी वो आज तक वैसी ही है, उसमें बाहर से कोई चेंज नहीं आया. राइट जैसे हम कई बार देखते हैं ना, देर आर सम ट्राइबल्स जो आज भी अपनी ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को जीते रहे. राइट ट्राइबल वे ऑफ लाइफ है, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस उन तक नहीं पहुंच रहा. इनको हम प्रिमिटिव लोग बोल सकते हैं क्योंकि इनके जो सिस्टम्स थे ये जैसे इन्होंने बनाए थे आज भी वैसे ही हैं. क्या हमारे सिस्टम्स वैसे ही हैं जैसे हमने बनाए थे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. रिलीजन कैसा था, आपके माँ बाप ने कैसा फॉलो किया, आप कैसा फॉलो करते हो. राइट आपके बच्चे कल को कैसा फॉलो करेंगे. मैरिजेस कैसी आपके पेरेंट्स के टाइम पे थी, नाउ हाउ हैव मैरिजेस इवॉल्व्ड एट आवर टाइम्स योर टाइम, हाउ विल दे इवॉल्व 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 20 ईयर्स डाउन द लाइन, सब चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी. प्रिमिटिव लोग वो हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी वो है जिसके सिस्टम्स में बदलाव आया ही नहीं. क्या ऐसी कोई सोसाइटी होगी? विल देयर बी अ सोसाइटी और अ ट्राइब जिसमें कोई चेंज ही ना आया हो? हो सकती है ऐसी, बट एक्चुअली देयर आर. होना बड़ा मुश्किल है, यू आर राइट, बट कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जिन लोगों ने कभी भी आउटसाइडर्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहा, आउटसाइडर्स के साथ ना बातचीत करी, ना गिफ्ट एक्सचेंज किया, ना कभी अपने एरियाज को छोड़ा, ना ही किसी सरकार से बात करी, ना ही किसी सरकार के ब्यूरोक्रेट से बात करी, ना ही किसी पॉलिटिशियन को वोट डाली, ना ही किसी रिलीजन के दायरे में आए. अपना लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं. आज भी इंडिया के अंदर भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं. तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसको पढ़ना भी एंथ्रोपोलॉजी का काम है, जो मॉडर्न फैमिली है उसको पढ़ना भी एंथ्रोपोलॉजी का काम है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेंशन हियर. डन. इसके नीचे लिखना शुरू करिए नेक्स्ट पॉइंट. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज होलिस्टिक, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज होलिस्टिक बिकॉज इट स्टडीज the whole of human condition, because it studies the whole of human condition, that is past, present and future, that is past, present and future. अब लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. राइट सो योर नेक्स्ट हेडिंग विल बी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. यहां पर हम कुछ एक नामों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कुछ एक लोग जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा अहम रोल प्ले करने वाले हैं आगे चल के. इन सब की शक्लें पहचान लो, इनसे दोस्ती करनी शुरू करो, कुछ समय बाद सपनों में आएंगे सारे. These are some names that from today we will start talking about them.
कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके बारे में इतनी बार बात हो जाएगी कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनके बारे में दो तीन बड़ी अहम बातें होंगी, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। बट कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बारे में बातें कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती हमारी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें कुछ लोगों ने तो अपना जीवन ही दे दिया, जिंदगी ही एंथ्रोपोलॉजी को दे दी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा मैं, यहाँ पर मेरे पास अभी वो मैंशनड नहीं होगा, बट ये नाम मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये जब मेरी मुझे याद है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना एंथ्रोपोलॉजी, तब मैंने इनके बारे में पढ़ा और मैं इतना फैसिनेट हुआ था ना इनके बारे में पढ़ के। लेट मी ट्राई टू फाइंड अ पिक्चर। अब देखो यहाँ पे लिखा है जूलॉजिस्ट, प्राइमेटोलॉजिस्ट, हम बोलते हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, राइट। तो इनका नाम फेमस क्यों है, क्योंकि इस लड़की ने जब ये 16 ईयर्स की थी, 16 साल की, इसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था एंथ्रोपोलॉजी की तरफ, एंड शी स्टिल अलाइव, शी इज 90 ईयर्स ओल्ड, राइट। आज भी ये एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर ही इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी हुई है। इनका सबसे प्रोमिनेंट काम था द स्टडी ऑफ चिंपैंजीज, राइट। और इन्होंने 16 साल, इमेजिन 16 ईयर्स ऑफ हर लाइफ शी स्पेंट विद चिंपैंजीज, 16 साल, कोई अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रहता, राइट। 16 साल से पहले ही हॉस्टल वोस्टल चले जाते हैं बच्चे आजकल, 16 साल चिंपैंजीज के साथ नहीं है ये। 16 साल की रिसर्च के बाद जब इन्होंने अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स बताई, तो इन्होंने बताया कि ये तो ह्यूमंस की नेचर है सेम, इनको जो सिखा दो सीख जाते हैं। 16 ईयर्स आफ्टर हर रिसर्च, जब ये अपने टेंट के बाहर बैठ के चिंपैंजी को ऑर्डर दिया करती थी ना कि मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओ, वो पानी का ग्लास भर के लेके आता था इनके लिए। शी लर्नड देयर बिहेवियर, दे लर्नड हर बिहेवियर, राइट। इतना लंबा काम किया है लोगों ने। तो जो नाम हम बात करेंगे धीरे धीरे, देर विल बी पीपल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस वॉज अ पर्टिकुलर पिक्चर जो बड़ी फेमस है इनकी, आर्टिफिशियली बनाई हुई है। ऐसी एक और पिक्चर है इनकी, ये दिस इज़ वेरी फेमस, ये इनके हर रिसर्च पेपर में दिखती है, राइट। 16 ईयर्स शी डेडिकेटेड टू चिंपैंजीज, और ये आज की डेट में शी इज़ वेरी ओल्ड, बट इन्होंने तो बदल दिया, पूरा का पूरा आउटलुक बदल दिया सब्जेक्ट का। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, इमैनुअल कांत, ईबी टाइलर, एल्फ्रेड क्रोबर, तीन इंपॉर्टेंट लोग। फिर ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की, मेलिनोस्की साहब बड़े स्मार्ट हैंडसम इंसान, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी बहुत चीज़ें पढ़नी है हमने, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है ये। फिर आप सबके बड़े क्लोज आने वाले हैं कुछ टाइम में, फ्रांस बॉयस, रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन स्पेशली बड़े आप लोगों को फैसिनेट करेंगे, क्यों? इनकी सारी रिसर्च हुई अंडमान आइलैंड्स में, राइट। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो इंडियंस तो हर जगह पहुंच नहीं पाते थे, राइट, बट ब्रिटिशर्स हर जगह चले जाते थे। तो ये ब्रिटेन से उठ के आए अंडमान के एरियाज में अपनी रिसर्च कैरी आउट करने। ये कुछ लोग बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को शेप किया, जिन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करी। सबसे पहली डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन बाय इमैनुअल कांत, राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन। इनके बारे में पहले कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इनकी ब्रैकेट में लिखिए नाम के साथ जर्मन फिलोसोफर। जर्मन फिलोसोफर, कंफ्यूज नहीं होना अगर हम फिलोसोफर लिख रहे हैं तो। कुछ सब्जेक्ट्स में जो फादर्स रहे हैं, फाउंडिंग लोग रहे हैं, वो फिलोसोफर भी मान लेते हैं, फिलोसफी वाले, हम उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी मान लेते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, राइट। मेजर आइडिया इज के जर्मन फिलोसोफर थे। इनकी किताब जो बड़ी फेमस हुई, लिखना शुरू करो, नेम ऑफ द बुक, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, 1798। तो आप ये मान सकते हो वन ऑफ द अर्लीस्ट डेफिनेशंस गिवन अरिस्टोटल साहब के बाद, इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करी, बहुत पुरानी बात है।
इमैनुअल कांत ने बोला, लिखो, ही डिफाइंड एंथ्रोपोलॉजी एज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. From both physiological and pragmatic perspective. तो उन्होंने बोला कि इंसान को पढ़ने का एंथ्रोपोलॉजी एक जरिया है, जिसमें हम दो एरियाज में बात कर लेते हैं. वन इज फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड इज प्रैग्मेटिक. जब फिजियोलॉजिकल की बात आएगी तो ऑब्वियसली इन्होंने बोला कि जब इंसान को पढ़ना है तो उसकी फिजियोलॉजी, मतलब वो कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो कैसा है, वो समझना इंपॉर्टेंट है. फिर दूसरा उन्होंने बोला कि प्रैग्मेटिक तरीका भी है, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा कल्चर है, घर जाकर किस तरह की सोसाइटी में रहना पसंद करता है, माँ बाप के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहता है, फैमिली को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, रिश्तेदारी कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए. तो ये कहता है कि इमैनुअल कांत साहब ने बोला कि फिजियोलॉजी को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम इंसान को समझ पाएंगे, तब जाकर हम जस्टिस कर पाएंगे एंथ्रोपोलॉजी के साथ. क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस. तो ह्यूमंस की स्टडी करने के लिए इन दोनों पोर्शन को स्टडी करना चाहिए. ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, राइट. हमने पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही कह रहे हैं. इनके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी ये थी, राइट. लिखना शुरू करो. फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नीचे लिखिए, राइट डाउन फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इन्होंने बोला दो ब्रांचेस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल और प्रैग्मेटिक. तो पहले लिखिए फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट डाउन इसके सामने लिखो. इट एग्जामिन्स द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स. इट एग्जामिन्स द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स of human existence comma including physiology, anatomy, etc. including physiology comma anatomy etc. What is anatomy? हाँ जी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. तो इनके हिसाब से इन्होंने बोला एक तरीका है, फिजियोलॉजी को पढ़ो, उनकी एनाटॉमी को पढ़ो, उनकी जो बॉडी है, उनके ऑर्गन्स, उनका स्ट्रक्चर है, उनको पढ़ो. बेसिकली इमैनुअल कांत की बात सही नहीं है यार. अगर मान के चलो इस कमरे की स्ट्रेंथ मुझे जाननी है कि इस कमरे में कितना, इसके ऊपर कितना वजन रखा जा सकता है, इसका लेंटर या इसकी स्ट्रेंथ कितनी है कमरे की, तो क्या मैं सिर्फ कमरे की दो पिलर को पढ़ के समझ सकता हूँ? नहीं ना. मुझे चारों दीवारें, कितने पिलर्स हैं, उनमें कितना सीमेंट डला, कितना सरिया डला, उसमें हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तभी मुझे स्ट्रेंथ समझ में आएगी. तो बिल्कुल सही बात है. इन्होंने भी बोला कि अगर इंसान की फिजियोलॉजी को समझना है तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स को स्टडी करो. सारे बॉडी पार्ट स्टडी कर लिए, ऑटोमेटिकली इंसान की स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी. इंसान क्या है, कैसे बना, किस तरह से उसकी बॉडी काम करती है, राइट. नेक्स्ट लिखो प्रैग्मेटिक एंथ्रोपोलॉजी. तनीश कुमार, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिक? प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? कि एक्चुअल में प्रैग्मेटिक होता है कई बार प्रैक्टिकल से रिलेटेड. कि थ्योरेटिकली तो आपने पढ़ लिया, एनाटॉमी तो पढ़ ली इंसान की, कि भाई ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे बना है, अब ये बिहेव कैसे करता है सोसाइटी में, क्या करता है, किस तरह से रहता है, बिहेव करता है, बोलता है, क्या बोलता पसंद है,
मान के चलिए आपने कई बार देखा होगा, ये चीज नोटिस करी होगी कि कई बार जैसे आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस, फॉर एग्जांपल फॉर मी जब मैं चेन्नई गया ना, तो चेन्नई जाकर मेरे को सबसे ज्यादा जो अजीब फील हुआ वो थी लैंग्वेज, क्योंकि मैं किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा था। अब मैं कहीं पर फंसता भी था तो मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता था, तो मुझे समझ में ये आया कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ पर जाकर अगर चेन्नई में तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच में इफ समबडी सडनली स्पीक्स अ वर्ड ऑफ हिंदी, आई वॉज लाइक दिस, राइट, इट हैपन्स नेचुरली आता है, राइट। तो वो बिहेवियर ये तो है हमारा, कैसे लैंग्वेज हमें बांधती है, कैसे हमारी सोसाइटी को बांध के रखती है, कैसा वो कल्चर है कि हम अपने आप को कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ़ योर लैंग्वेज इज कॉमन टू शेयर योर हार्ट, विल बी वेरी इजी। किसी के साथ लैंग्वेज ही नहीं मिलती, मन की बात कहाँ कर लोगे फिर, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये मानना चाहता है कि प्रैग्मेटिक व्यू कैसा था, इंसान एक्चुअल में बिहेवियर कैसा है उसका, उसको स्टडी करेंगे हम। लिखिए, द ब्रांच एक्सप्लोर्स ह्यूमन बिहेवियर, कॉमा ह्यूमन कल्चर। द ब्रांच एक्सप्लोर्स ह्यूमन बिहेवियर, कॉमा ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी एंड पोटेंशियल फॉर ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट, पोटेंशियल फॉर ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो ये एक तरीका था कि इमैनुअल कांत ने कोशिश करी कि मैं एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन कर सकूं, बट ऐसा नहीं है कि ही वॉज नेवर एबल टू डिफाइन इट होलिस्टिकली। इन्होंने एक आइडिया दिया, इस आइडिया को आगे लेकर चले गए ई बी टाइलर का। सबसे पहले तो लिखिए डेफिनेशन बाय ई बी टाइलर, और ई बी टाइलर का पूरा नाम लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद कभी नहीं लिखेंगे। आज एक बार इनका पूरा नाम लिख लो, डेफिनेशन बाय ई बी टाइलर नाम लिखिए। एडवर्ड बनेट टाइलर, इनको बहुत बार आप यूज करोगे, इनका नाम काफी बार आएगा, तो जब आप रेगुलरली लिखोगे तो उनको ईबीटी लिख लो या फिर ईबी टाइलर लिख लो। एक बार पूरा नाम पता होना चाहिए जरूर, राइट। बट आगे चल के मैं बार बार खुद भी एंथ्रोपोलॉजी नहीं लिखूंगा, मेरा तरीका जैसा हो आपको पसंद आए तो लिख सकते हो, या फिर तो आप इसको लिख लो एंथ्रो, या फिर लिख लो इस तरीके से। पेपर में यह यूज नहीं कर सकते, पेपर में एंथ्रोपोलॉजी ही लिखना पड़ेगा। एंथ्रो लिख सकते हो, बट कोशिश करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ही लिखें, राइट। सब्जेक्ट का जो नाम है उसकी रिस्पेक्ट करनी बड़ी जरूरी है। सो नोट्स में अगर जल्दी लिखने का है तो इस तरह से लिख लो, चाहे इस तरह से लिख लो, पेपर में कोशिश करनी है कि हम इस तरह से लिखें, राइट। अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू यूज एनी शॉर्टकट, आप नोट्स में जैसे मर्जी लिखिए, इट इज टोटली अप टू यू। सो एडवर्ड बनेट टेलर के साथ लिखिए ब्रैकेट में, ही वॉज अ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और इनके साथ आपने लिखना है इनकी बुक का नाम, बुक का नाम बहुत ज्यादा मुश्किल है, शायद याद ना हो, बुक का नाम है एंथ्रोपोलॉजी, ये तो भूल ही नहीं सकते यार, 1881 की ये बुक है, दैट इज इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एंथ्रोपोलॉजी हो चाहे कोई भी ऑप्शन हो, एक चीज बार बार बोली जाती है आप लोगों को कि किसी का नाम लिखें तो अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में कुछ कहा है तो वो भी मेंशन होना चाहिए, इसलिए थिंकर्स के साथ उनकी प्रोमिनेंट बुक्स, और उनके प्रोमिनेंट बुक्स के अंदर से अगर कुछ मटेरियल आप लिख रहे हो तो साथ में नाम किताब का और थिंकर का ठीक होना चाहिए, राइट। सो व्हेन वी आर राइटिंग डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बाय ईबी टाइलर, तो हमारा उनकी किस बुक में उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करी है, हम वो साथ में लिख रहे हैं, राइट। तो कोशिश करनी है कि कुछ नाम आपको धीरे धीरे याद होने शुरू हो जाएं। कुछ नाम तो वैसे मैंने बताया आपको भूलने ही नहीं, इतनी बार आ जाएंगे। कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली याद करने पड़ते हैं, राइट। लिखना शुरू करिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया।
He defined anthropology as a study of old remains of people, as a study of old remains of people, comma, their physical features, study of old remains of people, comma, their physical features, comma, races, physical features, comma, races, comma, languages, comma, customs and practices of primitive people. Sahi hai bhai, definition sahi hai, does it make sense? Ek sawal utha yahan se, kya sawal utha? Ke bhaiya primitive people, E.B. Tyler साहब ने एक बड़ी मिस्टेक कर दी, डेफिनेशन में मेंशन कर दिया कि ये सब पढ़ते हैं हम, और किसका पढ़ते हैं? प्रिमिटिव पीपल का. तो ये तो सही नहीं हुई फिर बात. एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलती है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. एंथ्रोपोलॉजी क्या बोलती है? पुराने से पुराना, नया से नया. तो प्रिमिटिव पीपल की स्टडी इज नॉट होलिस्टिकली एंथ्रोपोलॉजी. मतलब सवाल तो उठना था, सवाल उठा. नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट. E.B. Tyler रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. E.B. Tyler restricted the scope of anthropology to primitive people. E.B. Tyler restricted the scope of anthropology to primitive people. But was criticized. By Paul Broca, full stop. He emphasized that anthropology is not only about primitive societies. He emphasized that anthropology is not only about primitive societies, but about modern societies and cultures as well. तो यहां पर एक चीज जो ईबीटी ने गलती कर दी, ईबीटी से गलती क्या हुई, कैसे यहां पर प्रिमिटिव पीपल का नाम इन्होंने यूज किया, पॉल ब्रोका ने क्रिटिसाइज किया, लेटर ऑन द डेफिनेशन वॉज चेंज्ड. तीसरा नाम अल्फ्रेड क्रोबर, तीसरी डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड क्रोबर. अल्फ्रेड क्रोबर के ब्रैकेट में लिखिए अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. और इन्हीं के साथ इनकी किताब का नाम लिखेंगे. बुक का नाम है अगेन एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी सेमीकॉलन, पूरा नाम लिखिए. Culture patterns and processes. Year 1948. अब इन्होंने कैसे define किया है? Write down. He defined anthropology as the scientific study. Anthropology as the scientific study
ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस कॉमा देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस कॉमा देयर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन. इसके नीचे एक और लाइन लिखो, इन द वर्ड्स ऑफ एल्फ्रेड क्रोबर एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन. एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन among humanities and is the most humanistic of all sciences. तो अल्फ्रेड क्रोबर साहब ने बोला कि भैया इसमें जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो ये डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन के अंदर हम दो चीज़ें ध्यान से पढ़ते हैं. हम ग्रुप ऑफ ह्यूमंस की स्टडी करते हैं. स्पेसिफिकली ग्रुप बोला इन्होंने. इन्होंने बोला कि अगर मैं इंसान को एज एन इंडिविजुअल स्टडी करूँगा तो मैं क्या ही सीखूँगा. इंसान एक इंडिविजुअल की तरह अगर स्टडी करूँ, उसकी फिजियोलॉजी स्टडी कर लूँगा, राइट, उसका बिहेवियर कैसे स्टडी कर सकता हूँ इंडिविजुअल का. जब तक इंसान को एक ग्रुप का हिस्सा बनाकर उस ग्रुप के एज अ होल स्टडी नहीं करूंगा, मैं कैसे बिहेवियर समझ सकता हूं, मैं कैसे फैमिली समझ सकता हूं, मैं कैसे किनशिप समझ सकता हूं, मैं कैसे सोसाइटी समझ सकता हूं. तो उन्होंने बोला कि कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर किसी एक इंसान को पकड़ के बैठ गया, वो स्टडी एंथ्रोपोलॉजी की रहेगी नहीं. एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई एक ग्रुप के तौर पर करी जानी चाहिए ताकि बिहेवियरल आस्पेक्ट इंसान का समझा जा सके, राइट. उसके बाद इन्होंने ये भी बोला, एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज एंड मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ All sciences. अब तीन बड़े नाम एक साथ. सबसे पहला नाम ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की. इनका नाम एक बार तो आज लिया है, बहुत रेगुलरली आने वाला है, राइट. पहला नाम लिखो, ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की. पिक्चर देखो एक बार ध्यान से. इन तीनों के नाम लिखेंगे हम. इन तीनों ने कुछ एक कॉमन पॉइंट्स दिए हैं एंथ्रोपोलॉजी के. पहले इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की, पिक्चर देखो एक बार, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है ये. क्या कर रहे हैं मेलिनोस्की साहब, कुछ तो है हाथ में, है ना, क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं? ईटिंग और ड्रिंकिंग. सोमरस पी रहे हैं. लोग जो साथ में बैठे हैं ये मॉडर्न सोसाइटी के लोग तो नहीं लग रहे, किसी प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग लग रहे हैं, मतलब शायद ज्यादातर ये ट्राइबल एरिया के कुछ लोग लग रहे हैं. ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की नोन हैं, इनके बारे में चर्चा इतनी ज्यादा रही है कि इन्होंने बोला कि यार एंथ्रोपोलॉजी की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, जो रिसर्च है, हर एक सब्जेक्ट के ना दो तरह के रिसर्चर्स हुए हैं. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहे हैं जिनकी रिसर्च बड़ी आसान हुई है करनी, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री. हिस्ट्री की रिसर्च मैं क्यों बोल रहा हूँ आसान रही है, क्योंकि मेरे पास हिस्टोरिकल टेक्स्ट अगर मिल गया, उस हिस्टोरिकल टेक्स्ट को अगर मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, अनफोल्ड कर लिया, मुझे एक टाइमलाइन मिल सकती है, मुझे उसकी सोसाइटी के बारे में उस टेक्स्ट को पढ़ के कुछ सीखने को मिल सकता है ना. एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं पढ़ सकते. दो तरह के रिसर्चर्स होते हैं. हम आगे चल के रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा ना जब आपका, वहां पर हम लिखेंगे भी ये सारी चीजें, आज पासिंग रेफरेंस दे रहा हूं बस. या फिर तो ऐसे लोग होते हैं जो बढ़िया सी चाय बनाते हैं, साथ में मंगवाते हैं पकौड़े, चार रखते हैं किताबें पढ़ना शुरू करते हैं. दैट इज देयर वे ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च. उनको बोला जाता है आर्म एयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्म एयर रिसर्चर्स. मतलब वो बैठ के आराम से किताब बाजू में पकड़ के बैठ जाते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना. कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल फील्ड में जाकर स्टडी करते हैं. ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की वॉज नोन फॉर हिज फील्ड स्टडीज. इन्होंने बोला कि मैं दूर से बैठ के नहीं पढ़ सकता कि वो सोसाइटी कैसी है, मैं उनके बीच में रहूंगा, राइट. आई विल बिकम अ पार्ट ऑफ
देयर लाइफ एंड देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज दैट. फिर मैं समझूंगा कि मैरिज वहां पर कैसी है, क्यों है, क्या है, क्यों उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, क्या चीजें हैं जो उनको इंपैक्ट करती है डेली लाइफ में, व्हाट आर देयर चैलेंजेस, क्या उनका फ्यूचर दिखता है, क्या उनकी बीमारियां हैं, उनकी बीमारियां ऐसी ही क्यों हैं. राइट, उन्होंने बोला कि मैं दूर से बैठ के नहीं बट मैं उनके बीच में रह के समझूंगा. इन्होंने रिसर्च करी मेलेनेशिया रीजन के अंदर, एक आइलैंड है ट्रॉब्रियन आइलैंड, लिखवाऊंगा आगे चल के. वहां पे गए रेगुलरली, इन ट्राइबल लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, इनके साथ रहे विदाउट अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड ऑफ देयर लैंग्वेज. एक शब्द भी नहीं आता था वर्ड का, लैंग्वेज का, फिर भी साथ रहे, सीखा, समझा, ऑब्जर्व किया, इनकी सेरेमनीज का पार्ट बने. जो खाना वो खाते थे वही खाना खाना शुरू किया, जो चीज़ें वो पीते थे वही पीनी शुरू करी, उनको जानने की कोशिश करी. रियल फील्ड वर्क जिस इंसान ने किया, ब्रोनिस्लाव मलिनोव्स्की. इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को किसी और डायरेक्शन में समझाने की कोशिश करी, बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दी इस डिसिप्लिन को. ऐसे ही एक और इंसान फ्रांस बॉयस, क्या कर रहे हैं, सही लग रहे हैं सारे, सब अतरंगी है, कोई भी आम आदमी एंथ्रोपोलॉजी वाला नहीं दिखेगा, सब दुनिया से थोड़े से अलग है, सब ने कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल का काम किया. व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू. मेरे प्रीवियस बैच में एक बच्चा कहता, सर उड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे, उड़ तो नहीं रहे. व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू. ट्राइंग टू बिहेव लाइक ट्राइबल्स. एक्चुअली में ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ लाइफ. इनकी सबसे फेमस पिक्चर है ये, कि कैसे हर सोसाइटी जैसी है वो अपने तौर तरीकों से एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है. हर सोसाइटी फंक्शनल तो है ना, मान के चलते हैं. अच्छा, एक चीज का सवाल का जवाब दो. एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, आज मैं तुम्हें भेजता हूं एक ऐसी सोसाइटी में जो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट हो, आपको वो तौर तरीके आते ही नहीं. राइट, फॉर एग्जाम्पल बेसिक थिंग्स, जैसे आप लोग खाते हैं वेजिटेरियन, मान के चलते हैं आज से मैं आपका खाना पीना चेंज करता हूँ, एक ऐसी फैमिली के बीच में रहना पड़ रहा है जो शिकार करके खुद ही आधा पका हुआ खाना खाते हैं, यू विल फील अनकम्फर्टेबल ऑटोमेटिक. राइट, ये बोलते हैं कि आपके लिए शायद वो अनकम्फर्टेबल होगा बट उस सोसाइटी के लिए उस तरह का बिहेवियर एक बैलेंस प्रोवाइड करता है. क्योंकि उस सोसाइटी के लिए वो बैलेंस प्रोवाइड करता है तो उस सोसाइटी के लिए वो ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके लिए कुछ और ठीक होगा, आप करते रहो, आपको किसी ने बोला थोड़ा चेंज करने के लिए. सो ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हर सोसाइटी का एक बैलेंस है, हर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो किनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, चाहे वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो, हर सोसाइटी के अंदर हर चीज का एक अहम महत्व है. राइट, और वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को किसी ना किसी तरह का बैलेंस प्रोवाइड करता है. तो जैसी वो सोसाइटी वैसा बैलेंस समझना है हमारा. That is the idea behind, you know, getting into anthropology. This was his way of expressing. Radcliffe Brown ne bhi badi ek important cheez in tino ne milke boli. Pehle in tino ka naam likh lo. Number one likho Bronislaw Malinowski. Bracket mein likho British anthropologist. Number two likho फ्रांस बॉयस, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तीसरा लिखो रैडक्लिफ ब्राउन. दीज थ्री नेम्स टुगेदर राइट डाउन. इन्होंने कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हैं, वो चीजें हम यहां पर मेंशन करने की कोशिश करेंगे. जहां पर आपने रैडक्लिफ ब्राउन लिखा है वहां पर ब्रैकेट में लिख लो पॉलिश बट लेटर बिकेम ब्रिटिश. ही वॉज ओरिजिनली पॉलिश, जब अच्छा काम करने लग गए तो ब्रिटेन वालों ने बोला हमारे साइड आ जाओ, तो ये वहां चले गए और ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से बाद में फेमस होना शुरू हो गए. जिस तरह से हम ऋषि सुनाक को बोलते रहते ना कि इंडियन है, इंडियन है, इंडियन है, वही वाली कहानी है इनकी भी. तो थे पॉलिश बट बाद में ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से फेमस हुए. इन तीनों ने ना कुछ एक कॉमन चीजें बोली हैं, राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग. दीज थ्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ट्राइड टू गिव
these three anthropologists tried to give a holistic definition of anthropology, including scientific study of biology, society, and culture of humans, throughout the time, and in all parts of the world. तो इन तीनों ने मिलके कहीं ना कहीं कंसेंसस ये क्रिएट किया कि भैया एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, बिल्कुल, उसमें हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, सोसाइटी भी पढ़ेंगे, कल्चर भी पढ़ेंगे. तो हॉलिस्टिक कवरेज करने की कोशिश कर दी और बोल दिया कि कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कोई भी ज्योग्राफी की बाउंडेशन नहीं है, जो कि परफेक्ट है. मतलब जब इन्होंने बोला कल्चर, कल्चर के अंदर क्या क्या आता है, वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स कल्चर, ट्रेडिशन और क्या लैंग्वेज आती है, आता है ना, लैंग्वेज के अलावा क्या रिलीजन का कोई एस्पेक्ट आ सकता है, क्या कपड़े आ सकते हैं, क्या खाना पीना आ सकता है, सब कुछ ही आ सकता है. तो उन्होंने बोला सब कुछ ही पढ़ लेंगे यार बेसिकली. सो दे ट्राइड टू क्लब द अप्रोच ऑफ ऑल प्रीवियस थिंकर्स एंड उन्होंने क्लब करके एक अप्रोच क्रिएट करने की कोशिश करी. एक्सक्यूज मी. इसके नीचे दो नाम और लिखेंगे एंड देन वी विल कॉल इट अ डे. फ्रांस बॉयस इतने फेमस हो गए कि आगे चल के इनके स्टूडेंट्स भी बहुत प्रोमिनेंट हुए. फ्रांस बॉयस के दो स्टूडेंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट. वन इज रूथ बेनेडिक्ट एंड सेकेंड इज मार्गरेट मीड. मतलब इनकी प्रोमिनेंस जो थी वो उस टाइम पे इतनी इंक्रीज हो गई कि इनके आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो भी कल को जाके एंथ्रोपोलॉजी में बहुत प्रोमिनेंट नाम बन जाएंगे. नंबर वन इज रूथ बेनेडिक्ट. इनके ब्रैकेट में लिखिए फ्रांस बॉयस कहां के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन, तो इनके स्टूडेंट्स भी, राइट. तो ब्रैकेट में लिखो रूथ बेनेडिक्ट अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट ऑफ फ्रांस बॉयस. राइट डाउन शी बिकेम अ लीडिंग नेम. in women anthropologists and stated that purpose of anthropology is to make world safe. कारण क्या होगा इन्होंने ऐसा बोल दिया, वॉट वुड बी द रीजन, वाई वुड शी से कि एंथ्रोपोलॉजी इसलिए है कि दुनिया सेफ हो जाए. हाउ कैन द वर्ल्ड बिकम सेफर विद एंथ्रोपोलॉजी. Thank you.
एनीबडी एल्स? बात तो सही बोल रहे हैं ये, इट विल हेल्प अस रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स, बहुत सही बात है यार। देखो सबसे बड़ी, आप इंडिया के अंदर बात कर लो, इंडिया की सोसाइटी को हम पढ़ते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में मैं पढ़ाता हूँ, उसमें हम बात क्या करते हैं, दिक्कतें क्या हैं हमारे कंट्री में इस टाइम पे। इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस 7 or 8 years स्पेसिफिकली, यू विल सी दैट देर इज़ अ डिवाइड दैट इज़ बींग क्रिएटेड। हो रहा है ऐसा, सोसाइटी के अंदर डिविजन क्रिएट होती है, चाहे फिर वो हिंदूज़ और सिख्स के बीच में हो जाए, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में हो जाए, चाहे वो रिलीजन के आधार पे नहीं कास्ट के आधार पे हो जाए, चाहे वो कास्ट नहीं रिलीजन नहीं इकोनॉमिक क्लास के डिवाइड के आधार पे हो जाए, सम काइंड ऑफ डिवाइड इज डिवाइडिंग एवरीबडी, राइट। हाउ एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स, इफ यू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी और इफ यू अंडरस्टैंड एवरीबडीज कल्चर, यू विल फाइंड आउट दैट वी आर वेरी सिमिलर एंड ऑफ द डे। एक बात तो पक्की है, इंसान ने भगवान बनाया या भगवान ने इंसान बनाया, इसका जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया, बट एक बात पक्की है, एंथ्रोपोलॉजी बोलती है कि इंसान ने भगवान को बनाया, राइट। एंथ्रोपोलॉजी ये मानती है, एंथ्रोपोलॉजी बोलती है कि भाई इट वॉज नॉट गॉड हु क्रिएटेड ह्यूमंस, इट वॉज ह्यूमंस हु क्रिएटेड गॉड। इनफैक्ट एंथ्रोपोलॉजी बिलीव्स कि इट वॉज फियर हु क्रिएटेड गॉड, फियर के कारण भगवान को बनाया गया। जब लोगों को फील हुआ कि अचानक से आज बाढ़ आ गई, लोगों को लगा कोई नाराज है, समबडी इज लुकिंग एट अस and he is not happy with what we are doing, something is there which we are doing incorrect, shayad hame unko khana dena chahiye, shayad kahin pe jahan par baad aayi hai wahan par hum khana rakh dein to shayad wo koi shant ho jaye, kuch hoga koi, unhone aisa maan ke god ko create kar diya। agar hum ye sab cheeze samjhe usme ek cheez to nikal ke aati hai ki hum sab ek jaise hi to hain। iske alawa physical aspect pad lo, kya muslims ke andar dna kisi aur tarah ka aaya hua hai, क्या वो अलग से काम कर रहा है उनका डीएनए, सेम ही तो है। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है कि वो लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लेके आने की कोशिश करता है, डिफरेंसेस को कम करता है, कॉमनैलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके हमें एक दूसरे को बेटर समझने में मदद करता है। सो इट विल इवेंचुअली हेल्प मेकिंग द वर्ल्ड सेफर इज वॉट रूथ बेनेडिक्ट सेड। नेक्स्ट लिखिए मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड ने क्या बोला, मार्गरेट मीड स्टेटेड दैट एंथ्रोपोलॉजी डिमांड्स ओपन माइंडेडनेस, विद विच one must look and listen, comma, record and listen, comma, record in astonishment, and wonder, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आराम से लिखवा रहा हूं, एंड वंडर एट दैट विच वन वुड नॉट हैव बीन एबल टू गेस, मार्गरेट मीड ने बोला कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, अगर वो किसी एक सोसाइटी में चला भी गया और उस सोसाइटी को स्टडी करना शुरू भी कर गया, अगर उसके खुद के दिमाग में एक कोई मेंटल ब्लॉक है तो वो कभी भी स्टडी ढंग से नहीं कर सकता, राइट। इन्होंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का दिमाग बिल्कुल ओपन होना चाहिए। अगर वो खुद ही एक माइंडसेट से गया कि मैरिज तो मतलब एक मेल एक फीमेल, और एक ऐसी सोसाइटी में चला गया जहां पर 3 males 1 female है, तो वो तो जब रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करते ही उसका नरेटिव नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसने बोला मार्गरेट मीड ने कि अगर ओपन माइंडेड होगा वो सिर्फ एस्टॉनिश हो जाए,
हैरान परेशान हो, बट रिकॉर्ड वही करे जो एक्चुअली में वो विटनेस कर रहा है, तभी वो जस्टिस कर पाएगा सब्जेक्ट के साथ। डन। आज कोशिश ये करनी है कि हम थोड़ा सा आइडिया लें कि सब्जेक्ट की नेचर क्या है। आज ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा, धीरे 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 अनफोल्ड करेंगे सब्जेक्ट को। आज कुछ एक बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कुछ प्रोमिनेंट नाम, कुछ प्रोमिनेंट डेफिनेशंस। एक बार जस्ट गिव अ क्विक लुक एट योर नोट्स, जो जो भी लिखा है एक बार क्विकली पढ़ो, और कोई भी डाउट है तो डिस्कस करते हैं अभी, अदरवाइज कल हम स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की चर्चा शुरू करेंगे, स्कोप के बाद डेवलपमेंट की, और धीरे धीरे इसको आगे लेकर चलेंगे। एक बार क्विकली रीड करो, आई एम गोइंग टू बी हेयर, वी विल टॉक एंड डिस्कस इफ देयर इज एनी कंसर्न। कोई नाम ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसा टर्म लिखा हो जो समझ में ना आ रहा हो, इफ देयर इज एनीथिंग देन आई एम हेयर। ऑनलाइन स्टूडेंट, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू, किसी का कोई भी डाउट है तो आई एम वेटिंग हेयर, यू कैन क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू पीपल आर फेसिंग स्पेसिफिकली। आप लोगों के चेहरे नहीं देख पा रहा हूं मैं, अदरवाइज आई यूजली लुक एट द फेसेस एंड आई अंडरस्टैंड किसको क्या समझ में है, किसको क्या नहीं। अभिषेक सर, हाउ टू आइडेंटिफाई आर्टिकल्स रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी न्यूज़पेपर्स। अभिषेक, अभी इट इज वेरी सून टू बी एट दैट पॉइंट, अभी के लिए कोशिश ये करो कि सिलेबस को मेंशन कर लो अच्छे से, अपने खुद के हाथों से लिखो सिलेबस। सिलेबस जब एक बार पढ़ लोगे, एक दो बार कुछ एक हम क्लासेस लगा लेंगे, आपको अपने आप समझ में आता रहेगा कि न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल है जो वो एंथ्रोपोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस अगर अच्छे से समझोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तनीश, व्हाट इज द डाउट, आप पूछो एनी डाउट यहां पे किसी को भी। इज देयर एनीबडी हु इज नॉट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, जिसका जीएस यहां से ना चल रहा हो, कहीं और से चल रहा हो? सबका जीएस यहीं से चल रहा है। आप कहां से कर रहे हो सर? सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो यहां पे रहते कहां पे हो? और अदरवाइज यू आर फ्रॉम हरियाणा, गुरदासपुर पंजाब। ठीक है, कितना टाइम हो गया सेल्फ स्टडी करते हुए? ठीक चल रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे यार, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? तनीश, यार डाउट क्या है एग्जैक्टली, सिलेबस में क्या डाउट है बताओ। डन है, आज थोड़ी सी दोस्ती की शुरुआत हुई है हमारी। आज एक हाथ मैंने बढ़ाया, आगे कल को आपने दूसरा हाथ आगे बढ़ाना है। अब पीपीटीज के लिए व्हाट विल बी द स्टोरी, व्हाट आई विल डू इज, एक तो हमारा काम आज का घर जाके क्या क्या है, एक तो हमने ये बुक ढूंढनी है, दिस इज नंबर वन। सेकंड क्या है, सिलेबस जो भी हैंड रिटन होगा वो हर दिन आएगा क्लास में, एवरी सिंगल डे इट विल बी विद अस। ठीक है, हम हर रोज देखेंगे, बाय नेक्स्ट वीक आपके माइंड में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फटाफट से बताओ मुझे, पेपर वन में क्या क्या कवर करना है हमने, टॉपिक्स ब्रॉड क्या क्या करना है, फिजिकल और लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल, वेरी गुड। पेपर टू में ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल दोनों में दिख रही है हमें, है ना, तो अलग अलग से करेंगे नहीं, कंबाइन कर लेंगे इसको। फॉसिल मिले हैं यार, फॉसिल मिले हैं पेपर वन में, वर्ल्ड के अंदर बात कर देते हैं, यहां पे इंडिया के अंदर जो फॉसिल मिले हैं उनकी बात हो जाती है, तो फॉसिल ही तो मिले हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे ना, दो दो बार थोड़ा पढ़ेंगे। चार फॉसिल इंडिया के हैं, वही फेमस है, सिवापिथेकस, रामापिथेकस, नर्मदा मैन, वो चार पढ़ के खत्म करेंगे कहानी, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है,
डन. सो टुमारो वी विल टेक इट फॉरवर्ड. ये एक चीज ढूंढनी शुरू करो. बाय नेक्स्ट वीक एवरीबडी हैज टू हैव दिस. हमने नेक्स्ट वीक से लिखना शुरू करने आंसर्स और सिलेबस ईमानदारी से बढ़िया तरीके से लिख के पेपर साथ में लेके आएंगे हर रोज. अगेन नोट्स कोशिश करो यार A4 पे बनाओ, बेटर बनेंगे. कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं होगा यार जो रूल्ड किताब के ऊपर नोट्स बनाएगा. आई कैनॉट अलाउ. GS में मैं इतना धक्के से नहीं बोल सकता, यहाँ पर मैं धक्का कर सकता हूँ और मैं करूँगा. ठीक है, कोई भी रूल्ड शीट के ऊपर नोट नहीं बनाएगा. जब पेपर में आंसर लिखने बैठोगे ना, हैंडराइटिंग के धज्जियाँ उड़ जाएंगी. नहीं करना. खाली शीट होगी जैसे UPSC के पेपर में मिलती है. लाइनें ड्रॉ करी हुई चीज़ों के ऊपर नहीं लिखना. स्कूल ख़त्म, कॉलेज ख़त्म, सब खत्म. राइट, अब UPSC डन. सो वी विल सी यू टुमारो 2:30 और यहाँ से आगे लेकर चलेंगे अपनी डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय. और एक चीज़, मेरा नंबर सबके पास होना चाहिए. किसी के माइंड में कोई भी डाउट हो उसको रखना नहीं है अपने पास. किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, देर इज एनी इशू विद रिस्पेक्ट टू GS, विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, विद रिस्पेक्ट टू इंटायर UPSC प्रिपरेशन, फील फ्री. बिल्कुल बैगेज नहीं रखना. फील फ्री टू गेट इन टच विद मी. तनीश यार आप खुद लिखोगे सिलेबस? अगर सिलेबस आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, आप मुझे WhatsApp कर दो इस नंबर के ऊपर. आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ द सिलेबस. उसको अपनी हैंडराइटिंग में अपने आप लिख के अपने पास रखो और क्लास के टाइम पे उसको अपने साथ रखना है. डन, करो जी कंटिन्यू. थैंक यू वेरी मच. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय.